ऐसे ना जागे काकी। हाँ बेटा। तनी पानी लिया बता। ला हम पहले में से तैयार रख ले बानी। एक रोज के यह नाटक। भैया 9 बज गए का? हाँ 9 बज गए। तरकुल के तरह तोर देह हो गए लेकिन जिम्मेदारी के एहसास तोरा तनिको नहीं खे। अब जो नहा धोके जल्दी तैयार हो जो कॉलेज जाएगा बा। ठीक बा भैया। जाइए जाइए जानी तो जगह पे जाता जाए। का भैया? मंगरू। हाँ भैया। जाना तारे आज हमारा सपना में क्या आई लला? क्या आई रहे भैया? करीना कपूर। करीना कपूर हीरोइनी? हाँ रे हीरोइनिया। तो जाना तारे का भाई? का भेल भैया? वो हमारा पास आई। आए आए। और पास आई और ओकरा बाद ना हमारा कचकचा आई के पकड़ आई। कसम से भैया। हाँ रे कसम से। आए आए। तो ओकरा बाद का भेल भैया? अरे तो ओकरा बाद का भेल? हमहू ओकरा ना कचकचा आई के पकड़ लेली। अरे झूठा के पेड़ बंद करिए अपन किस्सा कहानी और ना आके जल्दी आओ। ठीक बा भैया। ए भैया फिर का भेल? फिर का भेल रे? फिर कुछ ना भाई। अरे भैया बताओ ना का भेल भैया? बाद में बताई हमरा ले। अरे भैया करीना कपूर सपना में आके कचकचा के पकड़ लेलस फिर का भेल भैया? अरे ओकरा बात का भाई? भैया आई ना हमरा ऊपर पानी डाल देना सारा सपना टूट गई। लखन। हाँ भैया। हम तोरा के रोज डांटी ले फटकारी ले सिर्फ तोरे भलाई खातिर। तोके तो पता है ना जब हमनी के छोट छोट रहन जा तो माई बाबू जी के देहांत हो गए। अब हम तो पढ़ लिख पौनी ना तो हम चाहता नहीं हमार भाई कि तू पढ़ लिख के बहुत बड़का साहब बना। अरे समझ गई नहीं भैया का एक बात रोज रोज समझावेला। अच्छा 100 रुपया दा पेट्रोल भराओ के बा। ओ 100 रुपया गाई ले 500 रुपया रख। 500? हाँ। अरे वाह आज तो बड़ा खुश लगा तेरा भैया। ठीक है भैया जो भैया प्रणाम। प्रणाम का हो कैसन सबेरे सबेरे यहाँ कैसे? भैया को बहुत जरूरी काम से आयल बानी जा। का भाई? भैया वो भोला रामुआ तो बहुत अति कर दे ले बा। कौन हूँ किराना दुकान वाला डीलर? हाँ भैया। हाँ भैया वो है तू तो सब जाना तड़ा सरकारी राशन का सामान चीनी गेहूँ मिट्टी के तेल और 2 रुपया किलो वाला चावल जितना राशन आवेला ललका कार्ड वालन के आधा और राशन कार्ड वालन के आधा ही देवेला और जो सामान बचेला राशन बचेला वो अपना दुकान में ब्लैक कर देला भैया। का भाई लो? हाँ भैया। हाँ भैया। अरे तो एक शिकायत तू लोग प्रधान जी से करे के चाहे हमसे काहे बताओ तारा लो। 15 साल से झेलता नहीं हमनी के प्रधान के और प्रधान और डीलर बा दोनों के आपस में मिली भगत है भैया। दोनों आपस में मिलल हमें और जौन फायदा होला वो आधा आधा मिलके बांट लेवे ले। चलो लोग हमो के देखत नहीं। अरे काम मछली बाजार जैसा भीड़ लगा वाले बड़ा सन चला लाइन में लगा चला चला। हाँ तोरा का चाहिए? माटी के तेल चाहिए। माटी तेल खत्म हो गई बा। खत्म हो गई? हाँ काले ट्रक भर गई और आज खत्म हो गई। अरे इतना बड़ा गाँव में है एक ट्रक का 10 ट्रक भी आई तो ना पूरी बात करा था चल। हाँ हाँ देख ले तो के। हाँ तोरा के का चाहिए? 2 रुपया किलो वाला चावल 35 किलो चाहिए। 2 रुपया किलो वाला चावल नहीं खे 18 रुपए वाला चाहिए तो बोला। 18 रुपए वाला ना चाहिए? ना चाहिए तो भाग चल। अरे चाय का गपर गपर खाता रहा रे? बिस्कुट खाता नहीं बाबूजी। अरे तोरा बाप के माल हा जे गपर गपर ले लेता रे। और नहीं तो का इस सब तो हमारे बापे का माल हा। बाप हम तो हर बेटा। अरे चुप तोरा जैसा नालायक बेटा हमार नहीं क्या हो सकत। काजी हम ठीक करता नहीं ना। हमारा से क्या पूछा तारा अपना पड़ोसी से पूछा का हो जाता। अरे चुप। ए डीलर साहब हमरा के 5 किलो चीनी 5 किलो गेहूं और 2 लीटर मिट्टी के तेल चाहिए। ए डीलर साहब हमरा के ई चाहिए हमरा के ऊ चाहिए। अरे इतना बड़ा लाइन लगल बा तोरा लाकत नहीं खे चलेज मलक। बाबूजी है ई लाइन वाली ना हा बाबूजी। अच्छा तो कौन वाली है बेटा? ई तो हमार रिश्तेदार हा। चुप हमरा 7 पीढ़ी के खानदान में ऐसा सकल सूरत के लड़की नहीं खे तो फिर ई तोरी सदर कहाँ तो गई। हमरा कहे के मतलब ई है बाबूजी कि तो हमार होके वाली रिश्तेदार बाड़ी। अच्छा अच्छा हाँ तो बेटा एकरा से राखी बनवा के ता एकरा के आपन बहिन बनी बेले। बाबूजी हमरा का मजाक पसंद नहीं खे। अरे एकरा से राखी बंधवाई हमार सार हम तो एकरा संगे 7 फेरा लेके तहार पतो बनाई। रे बकचोदर अरे जमुना के खानदान के पता नहीं खे ते ओकरा के हमर पतो बनी बेरे। हाँ बाबूजी। अरे चुप मार मार के तोर हाथ तोड़ तोड़ दे। हैं आते हैं ते का टुकु टुकु देखा तारा रे। हैं सामान खत्म हो गई बा चल जाए यहाँ से। चंपकली हाय हाय रे हमार डार्लिंग काहे खिसिया के भागत तारू तो का करू मोर राजा जी। अरे तोहरा के माटी के तेल लेना चाहिए हो
मिल जाई मिल जाई, गेहूँ तेल चीनी सब मिल जाई। तैना दोपहर एक बजे के बाद आ जिया, हम तोहरा के सब दे दे। अरे मोर राजा जी, तू हमरा के एक बजे के बाद काहे बोलब तड़ा? काहे कि एक बजे के बाद ना वो हमार कंजूस मक्खी चूस दलिदर और वो खरो हवा कुकुर नियन बाप खाना खाए चल जाई। ओकरा बात तो यहाँ हम तोहरा के सब दे दे। लेकिन तोहर बाबूजी तो कहत रहन कि राशन के सारा सामान खत्म हो गए। अरे वो झूठ बोलत रहले, सारा सामान घरे में पड़ल बा। तू यहाँ हम तोहरा के सारा सामान दे दे, वो भी फ्री में। तू हमरा के सारा सामान फ्री में दे दे बा। ओकरा बात के का इरादा बा? कुछ ना, ते खाली संजा के खरिहान में आ जी है बस। तू हमरा के संजा के खरिहान में बुला के कुछ अंट संट ना कर बना। ना 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 ना, कुछ ना करब, कुछ ना करब। माइक रिया ते का फायदा काओ काका? अरे राम बेटा, आवा आवा बोला। बहुत शिकायत सुनत नहीं तोहर। काहू कल बेटा? तू गांव वालन के सरकारी सामान ज्यादा भाव में बेचा तारा। एक तो दूसरा गांव से आके हमारा गांव में दुकान खोल ले बाड़ा और हमारे गांव के लूटा तारा। अरे राम 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 बेटा, पता न तोहरा के कौन पट्टी पढ़ाऊ ले बा। देखा बेटा, भले ही हम दूसरा गाँव के बानी लेकिन हम ही गाँव के अपने गाँव ही समझी ला। ये सब झूठ बा बेटा। तैयो झूठ बा कि तू और प्रधान मिल के गाँव के गरीब लोगन के लूटा तारा लोग। जरूर हमारा खिलाफ तोहार केहू कान भर ले बा। हाँ, देखा पूरा दुकान बा तुम्हारा सामने, काली सब सामान आइल और बट गई। ये झूठ बोला था। राशन के सारा सामान अपने घर में छिपा के रख ले बाड़े। काहे कैसे कहा था रे? तोरा से के बतावल के सारा सामान घर में बा? तोहर बेटा बतौलन। वो तो यह बतौलन कि तू एक नंबर के कंजूस मक्खी चूस दरिदर और खौराहा कुकुर बारे कुकुर। बंद कर ये तमाशा, चुपचाप गांव वालन के राशन दे दा, ना तो तोरा घर पे धावा बोले की पड़ी। ना 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 बेटा, हम तो हर कसम खाता नहीं, हमरा घर में कुछ नहीं खे। ठीक है कहल बा, लात के देवता बात से ना माने ले। चलो लोग। अरे क्या कर रहे हो? अरे कहां घुस रहे? देखा तू हट जा पीछे। रुका तू लोग, अरे भीतर कहां जाता रहा? आओ देखो भैया, मिट्टी तेल के ड्रम और चावल के बोरा। अच्छा उठा लो संजय के जितना चाहिए। अरे रुका, सुना हम प्रधान जी से तुहार शिकायत करब। अरे का प्रधान जी से शिकायत करबा? तोहरा और प्रधान जैसन लोगन के जेबा में लेके घूमी ले और हमरा सब पता बा। ई सब तोहार और प्रधान के मिली भगत है। तू और प्रधान मिल के पूरा गांव के लूटा तारा लोग। ई गलत बा, एकदम गलत बात बा। हम तोरी पर केस करब और एको जन के न छोड़ब। अच्छा तो थाना में तू यो बतैया कि तू 2 रुपया किलो के चावल 18 रुपया किलो बेचा तारा, 16 रुपया लीटर तेल के 25 रुपया लीटर बेचा तारा, जाके बताइया। का सबूत बा? पूरा गांव गवाही दे। प्रधानो ये लपेटा में दोनों जने के 7-7 साल के जेल होई, तब तो के पता चली। प्रधान के भी प्रधानी भीतर घुस जाई। दिखा पका तारे भोला राम, तो राशन पताई को लूट ले गई। हाँ प्रधान जी, और राहुल नाम लेनी तो कहत रहे के तोहार प्रधानी घुसेर दे। तो हमार प्रधानी घुसेड़ी, अगर इतना हिम्मत। हाँ भैया, अब वो यूहू कहत रहा है कि वो तोहरा के 7 साल खातिर जेल भी करा दी। एक दिमाग बहुत बढ़ गया बाबू जी, सर्वा काम में राजनीति करा था बाबू जी। अगर जल्दी कोनो इलाज ना भइल ना तो बता देता नहीं, हमनी का हालत कुकुर नियन कर दी। बिल्कुल ठीक कहा था रे रामेश्वर, एक काम कर, ओकरे खेत में ओकरा के जिंदा गाड़ दे।
भैया प्रिंसिपल आजे मारा ला देखो हर महीना तोरा कॉलेज में क्यों मर जाला रे वो सब तो ठीक है भैया लेकिन ये सब के मारत काहे पड़त इखनी के हम नहीं के मारत रे ये हमारा के मारे आइल माने सा काहे उहे तो पता करे के बा बोल के भेजे रहा तो नहीं बोल बताओ के भेजे रहा बताओ के भेजे रहा ना तो तोरा क्यों आते हैं ब्रेड बताते नहीं बोल हमने के प्रधान जी भेजे रहा लन ये का तमाशा है काका ज्यादा नौटंकी मत करा चुपचाप ही बतावा कि हमरा मारे खातिर गुंडा काहे भेजे रहला हे बचवा अरे हमके कौन जरूरत पड़ल है गुंडा भेजे के अरे बाऊजी हां तोरा के अग्नि के सफाई देवे के का जरूरत बा अरे तोरा पास का सबूत है कि गुंडा हमनी का आदमी है अरे तो तोरा पास का सबूत बा कि तू अपना बाप के औलाद हवे अरे हमरा तो लगा था तोर मरे के दिन आ गइल बा रुक तो आज तो जाता नहीं प्रधान काका लेकिन आज के बाद अगर हमनी से झुरैला तो हम भुला जाए कि तुए गांव के प्रधान हुआ चल लखन राम लखन कहाँ बड़ा लोग अरे मामा गोड़ लगाता नहीं बैठे खुश रहा प्रणाम मामा जी खूब खुश रहा बाबू ला भैया पानी पिया प्रणाम दीदी खुश रहा और घर का हालचाल हाँ सब बढ़िया बा अच्छा अच्छा तू लोग बैठ के बात करा हम खाए के इंतजाम करता नहीं हाँ और सुनाई मामा हम तोहरा खातिर एगो बहुत बढ़िया रिश्ता लेके आयल बानी का मामा कहाँ हमके शादी ब्याह के चक्कर में फंसावता नहीं मामा भैया के छोड़ा हमके बतावा कहाँ के लेके ब्याह गाजीपुर के लेके हो अच्छा MSc पास ब्याह है लड़की MSc पास और हम आठवां पास ऐसा ही जोड़ा सुनने में नहीं खेर निकल लागत ई ब्याह नहीं हो सकत आठवा पास बाड़ा तक का भइल पूरा 400 बीघा जमीन के मालिक बाड़ा एक बार चल के लड़की तो देख ले भगीना उ का न मामा शादी ब्याह के नाम सुन के हमके घबराहट होके लगेला अब हमके कहने के जाए के भैया तोरा जाए के पड़ी अरे ना यार हम कहते नहीं तोरा जाए के पड़ी अरे चुप रहो यार हमरा नहीं खे जाए के मतलब नहीं खे जाए के मामा भैया के समझावा ना वो पहले बिया करी है तबे ना उमर बिया हुई लखन हमके घबराहट होता यार नमस्कार चिंता मत करा नमस्कार नमस्कार महेश जी ये हमार बड़ भगीना राम आ ये छोट भगीना लखन बबुआ लोग ये हमें सुधा के पिता महेश अच्छा, जी पड़ा, पड़ा। ये सुधा के माई है प्रणाम खुश रह बबुआ लोग राम बेटा कितना ले पढ़ ले बाड़ा आठवीं पास बनी आठवीं पास रउआ के तो पहले ही बतौले रहनी है ना कमे उम्र में इनकर माई बाप गुजर गए रहले घर के सारा जिम्मेदारी इनकर कंधा पे आ गए रहे यही से ज्यादा पढ़ लिखे ना पवले लेकिन गांव के जमींदार हमें गाड़ी घोड़ा सब बा अच्छा अच्छा सा,
हाँ? का भइल हो? सुधा बिटिया हाँ कर देली। अच्छा अच्छा। हमनी के तो लड़का पसंद पड़े, अब रउआ लोगन के मन के खा विचार बा बताई। का हो राम, तोहरा के लेकी पसंद आयल की ना? का भैया? लखन तनी चला था। का भइल भैया? यार हम लड़की तो देखबे ना कहीं। अरे तो लड़की दिखाइल बड़ा तो लड़की देखे के चाहिए, तो मुड़ी नीचे गाड़ के जमीन देखा तारा। लेकिन कोनो बात ना, हम देखनी है। कैसन बाड़ी? अरे एकदम झकास, सुपर से ऊपर। तोरा पसंद बाड़ी? अरे तुहारा उनका जोड़ी सीताराम के जोड़ी लागे भैया। अच्छा ठीक बात, तब चल। हाँ। मामा हमरो के लेके पसंद बा। हमनी के तब समझी हो गई नी। चलिए अब मिठाई खाइल जाओ। रुआ भेली। महेश जी, अब जल्दी से पंडित जी के बुलवा के शादी के मुहूर्त निकलवा ली। जी जी बिल्कुल। भैया वो बिचवा वाली भौजी बाड़ी। भौजी चिंता मत कर, बहुत जल्दी बारात लेके आवे के। Mama!
बहुत घबराहट होता हमरा। काल चली तो ना चली। अरे ऐसे कैसे चली, सुहागरात जिंदगी में रोज रोज थोड़े आवेला। सुहागरात के दिन जेल ना जाला, वो जिंदगी भर पछताला। चल अंदर। राम यहाँ कहाँ सुतल बा? दुल्हन, ए दुल्हन, अरे हमार गुड़मच्छुआ, भले ही दोनों भाई हमरा के काके कहना, बाकी हमें घरे के नौकरानी है बिटिया। ए लोगन के माई बहुजी के मरला के बाद हम ही ये लोग के बचपन से पाल पोस के बढ़ गई बनी। तब तेरा और गोड़ छुए के हमार पूरा हक बा। अरे खुश रहा खुश रहा, सदा सुहागिन रहा, लईका होके। अच्छा ये बतावा, ई राम बहरा का है सुतल बा? रात में भीतर आयल रहेगी ना? आयल रहनी, लेकिन वापस तुरंत चल गई। अरे हो, ई तो एक निके खानदानी बीमारी है, एकर बाप भी सुहागरात के दिन खिड़की तोड़ के भाग गया। अच्छा सुना, अब हम हूँ वह नाटक करब जो निकर दादी के ले रही। सुना, जैसे जैसे हम कहता नहीं वैसे वैसे तू कर जा, ठीक ना? जी। अरे ये का तमाशा होत बा भाई, 8 बज गेल बतावा, हां नई बहुरी आइल दिया घर तुम्हारे खातिर, 8 बजे ले भीतर जाके देखा टांग पसार के सुतल दिया। अरे का करता रुका की, धीरे बोला, सुन ले धीरे बोला। अरे सुन ले तो सुन ले, हमरा के डर लागल बा का, जिंदगी भर हमर तार घर से मारब। अरे चुप हो जा, हम तो हाथ जोड़ता नहीं, बस चुप हो जा, मान ला हमार बात। चुप हो जाई, हम ही के चुप कर रही हैं, लगत नहीं के पूरा घर गंदा पड़ल बा, बर्तन पड़ल बा। अरे अबले तो ओकरा के झाड़ू लगा लेवे के चाहत रहल। अरे बाप रे बाप, ई अरे पई छोड़ा पई का करता, छोड़ छोड़ छोड़, हम बाहर देता नहीं। ना हम कर देता नहीं। अब हम बाहर देता नहीं ना। अरे छोड़ी ना, हम बाहर देता नहीं। अब हम बाहर देता नहीं। भौजी, ए भौजी, भौजी हम तोरा ब्याह में कुछ गिफ्ट ना देले रहनी ना, तो ई हमरा तरफ से गिफ्ट। अरे ई तो कमाल के खिलौना बा। देखा भौजी, ई तो खिलौना बा, लेकिन हमके असली वाला भतीजा चाही, जौन हमरा के चाचा चाचा कह के बुलावे। और देखा लोग, हमरा पास बिल्कुल टाइम नहीं है, जल्दी से भतीजा के इंतजाम करा लोग। हमार चंपा कली, आजा आजा भीतर आजा, बाबूजी नहीं खान, आजा आओ तनी। ये चंपा कली, ते सही सही बताओ कि ते हमरे संगे ब्याह करबे कि ना? कर भी सकी नहीं और ना भी कर सकी नहीं। ना 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 ना, ते क्लियर कर दे भाई कि ते हमरे संगे ब्याह करबे कि ना करबे। अच्छा ठीक बा बाबा, करब तो। बात ही बा चंपा कली, कि कितना लोग के ता मालूम है ना रहेला का? कि ब्याह के बाद का कल जाला, तो बड़ा तकलीफ होला। हाँ। तो बाद में तकलीफ ना होके यही से एगो काम कल जा। काम? कौन काम? ब्याह के बाद का कल जाला, चला आज ओकर रिहर्सल कर लियल जा। ऐसन का? हाँ। ठीक बा, तो चला करो रिहर्सल। करी। अच्छा ते ये बताओ कि बिया के बाद ते का कर बे? बिया के बाद? हाँ। बिया के बाद हम
तोहरा खातिर नाश्ता बनाए। हमरा खातिर नाश्ता बनेबे? हमरा खातिर नाश्ता बनेला के बाद का करबे? नाश्ता बनाए के बाद हम नाश्ता तो के खिया हमरा के नाश्ता खियाबो? अरे हमरा के नाश्ता खियाला के बाद का करबू? तो के नाश्ता खियाए के बाद हम नाश्ता खुद खाए। अच्छा ये बताओ कि रात में हाँ तो के खाना खियाए? अरे हम के खियाले के बाद का करते हैं? तो के खियाए के बाद वो खाना खुद खाए तय खाए बे। अरे तो भुखमरिया खानदान के हवे करे कि बात में खाली खा पिया के बात करता रे? हमरा के ये समझ में नहीं आवत कि तू हमरा के समझावल का चाहता रे? खोल के बतावा हमके। रुका, सोचे तो हमरा के सोचा खोल के बताई। अच्छा मान ला कि हम तहार मेहरारू हैं और तू हमार मरद हो। का हो? मरद। हाँ, और हम का है? मेहरारू। हाँ, तो जब तू रात में काम से थक हार के घरे आईबू तब तू हमरा से का कहबू? तब हम कहे, अरे काम चोर, हम थक हार के आयल बनी और तू भैंस नियन बैठल मारू। अच्छा पहले ये बता कि ते हमरा खातिर खाना बनवले बाड़े कि ना? अरे दरिद्री, फिर खा पिया के बात करे लगले रे। का बोले? कुछ ना तोरा के खाली पेटे के भूख लागल रहेला का? ससुरी, हम जोड़ी कर दे। सरक, चल सरक। पैर दबाओ। पैर। एगो हम है जोन भी यहाँ के पहले अपन मेहरारू के पैर दबावता नहीं। आए गो हमार कंजूस, मक्खीचूस, दलिदर और खड़ूस नियन पाप जोन आज तक हमरे माई का गोड़ दबावले ना हुई है। अरे कहाँ से दवाई है? वो तो आज तक कबो भी प्यार, मोहब्बत, इश्क, लव ये सब कभी जानबे ना कहले। वो तो बस चोरी, चकारी, घोटाला ये सब में रहले। चोटा कहीं का? चोटा कहीं का? रुक, बाबूजी कहाँ जाता रहे? कहाँ रहे? हम चोर हैं, हम चोटा हैं, एक कंजूस हैं। रुक, बिजली रानी ओकर के मार मार के हम थक गए बानी। हमार थकान मिटा दे बिजली रानी, चला हमार गोर दबा दे। अरे देखला अपन लड़का वो लड़की के कैसे पैर दबावत रहे। अब बैठा, अब तू हमार पैर दबावा। दबावा का? पाँव दबावा। काकी। हाँ बेटा। काल 4 किलो दूध अलग रख दे। वो कहे? काहे की काल हम खीर बनाई। काल हमरा बिया के 3रा साल गिरा है ना। अच्छा का भेल काकी, रवा उदास काहे हो गई? नहीं बिटिया को बात कहीं बुरा तो ना मनबू ना? ना काकी, रवा बोली ना। बिटिया तोरा बिया के 3 साल हो गए, अब तक के घर में एगो बच्चा ना आईल। अब तो टोला मोहल्ला के लोग भी बात करे लागल। हम तो हर दुख समझता नहीं बेटा। तू ये काम करा, कैसो राम के मनाए के एक बार अंगार मोती माई के मंदिर चल जा। लोग माता रानी तो हर घोच जरूर भर दी है, हमरा पूरा विश्वास बा। तू तो जाना तारू माई, हम तोरा लगे काहे खातिर आयल बानी। हमार मनोकामना पूरा कर दमाई, हमार गोद भर दमाई। आंगनबाड़ी केंद्र टड़वा के कार्यकर्ता श्रीमती शीला देवी के असमय मृत्यु भैला के कारण जौन स्थान रिक्त भैल रहल, वो स्थान के पूर्ति करे खातिर गांव से तमाम आवेदन पत्र मंगवावल गए रहे। आवेदन पत्र देखला के बाद
गांव के उ महिला के चयन कैल गई जौन सबसे पढ़ल लिखल बाड़ी, और उ महिला के नाम है श्रीमती सुधा यादव। लेकिन हमरा क्या आपत्ति बा? अरे एक गांव में के हूं दोसर नहीं के जे तू लोग ई बांझ के आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता बनावत आ रहा। एकर ब्याह भइले 3 साल हो गई, अभी लेको लेकर ना भइल। अरे ई का संभाली आंगनबाड़ी के लेकन के? बिल्कुल सही भाई, हम बिजली भौजे के बात से एकदम सहमत बानी। अब रहुआ लोग खुद है सोची, अरे भाई जकरा खुद है लड़का फैका नहीं खे वो आंगनबाड़ी जैसन इतना ना महर जिम्मेदारी कैसे संभाल सकेले। रुका सुधा, सुधा ये गांव के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद कैसे संभालल चाहत रही है कि भले इनके अपन लड़का नहीं खे लेकिन गांव के हर लड़का इनका अपन लड़का के समान बा, ओकनी के खिला के पढ़ा लिखा के ही अपन दुख दर्द मिटावल चाहत रही है। लेकिन इनकर छोट से खुशी भी आप लोग के बर्दाश्त नहीं के, तो धन्यवाद। चलो सुधा। ए लखन बाबू। ए आरती, अरे का ही पुराना जमाना खेल खेला तरू, आवा तोरा के नया जमाना खेल खेलाई। अरे जा जा, हमरा सब पता बने आज जमाना के खेल। अरे एक बार खेल के तो देखा, ऐसा खेला कबो खेलना ही ना अकबू। ए लखन बाबू। अच्छा बतावा कहाँ तो नया जमाना के खेल? नया जमाना के खेल ही बा कि हम तोरा के चुम्मा ले वो बिना छुले। इता हुई नहीं खे सकत। अरे तो लगा ला सर, तू अगर सर थार गेलू तो 100 रुपया हमरा के दे दिया, और अगर हम सर थार गेनी तो तोरा के 100 रुपया दे। ठीक बा, हमरा के मंजूर बा। मंजूर बा? हाँ मंजूर बा। पक्का ना? मंजूर बा? मंजूर बा ना? हाँ एकदम सही में। हार गई ने। हाँ यार हम तो हार गए ने, सही में हार गए ने। इला 100 रुपया। एक बार और खेलबू का? हाँ खेलब। अरे आरती, ये तू का कर तरू? वो तो हर खुल्लम खुल्ला चुम्मा ले ले सुबह 100 रुपया में।
अपना आपके बहुत होशियार समझेला ना, लेकिन हमरा नजर में तोरा में आवर लेकिन में कोनो फर्क नहीं खे, जे हर लड़की के चालू समझेला सन। बेइज्जती हो गई यार, सर के एक से एक लड़की छोड़ के हम एकरा पीछे पड़ल बनी और ही बाकी भाव खा दिया। तू सही कहा तारा, लड़की जाते ऐसन होली सन ओहनी के जितना भाव देबा उतना ही कपार पे चढ़ जाली सन। देवर जी दारू पे क्या अलबानी का? हे भगवान, ये तो सही में दारू पे क्या अलबानी? ए जी, देवर जी दारू पे क्या अलबानी? देखी ना कहां पानी जल्दी आई, देवर जी दारू पे क्या अलबानी? क्या दारू पे क्या आईला देवर जी? करे तू दारू पी ले है? ना भैया, कहां दारू पी ले बनी? तो जबान कहां लड़खड़ाता रे? ना भैया, कहां जुबान लड़खड़ाता? तो हिलत कहां मारे रे? ना भैया, कहां हिलत नहीं? आकर ऊ ना आकर सही में दारू पी के आयल बारे लाठी कहाँ बा? अभी एक दारू छोड़ा होता दारू पी में दारू पी में तू दारू पी में छोड़ भैया पी में दारू बचा छोड़ नहीं खाता नहीं छोड़ कितना मारे ना कितना मरना हमरा के जाए दी देवर जी रवा खातिर कुछ खाए के ले आई ना बाजी भूख नहीं खा तन्नी सा खा ली ना पेट भरल बा इका कहीं नहीं हो रवा जवान लड़का के केहू ऐसे मारे लका दारू पी के आई तो मार ना खाई ढेर चोट लग गई लका ऐसा निर्दयी नियन मारे तो चोट ना लगी का दिना ऊपर से बुझा था कि लेट हो जाई इले तोरा कभो कोनो चीज के होश ना रहला अब कॉलेज जाता रे पता ना का करबे अरे का ये बैंड बजाला कपड़ा पहन ले बाड़े कॉलेज पढ़े जाता रे की नो टंकी करे ई फैशन हमारी कॉलेज में ऐसा नहीं कपड़ा चलेला तू ना बुझबू है फैशन बा तागी लगे फैशन में ए भाई ऊ देखा ए गुलाबी कले है ना ए जाने मन तोहर नाम का बा आरती आरती तो हमनी के आरती उतारे के मौका कब देबू हमरा क्लास में जाए की देरी होता भैया भैया हम तोहर भैया ना सैया बाने सैया अरे गांव जवार के लइकन की है प्रॉब्लम होला जेकरा के देखे ली ओकरे के भैया बोल देली ए राहुल काहे छोड़त रे जय दिन करा के कहे तोहर बहन बा का तू अपने क्लास में जा। का है अमरनाथ कॉलेज में आजकल तोर बड़ा जलवा बा दुदू को लेके घुमाओ तारे अरे लड़की तो तोरा पीछे भी पड़ल बाड़ी सन तू ही भाव ना देवेला कहाँ यार हम जोना के भाव देनी हमरे के भाव नहीं खेदे ए ए तोरा ढेर चर्बी चढ़ गई बका ते जानत नहीं के हमरा के ना यार हम तो नहीं जानत नहीं जानत इस शहर के सबसे बड़का बॉडी बिल्डर हमन देखेंगे बाइसेप देखेंगे ट्राइसेप हाँ यार लेकिन एक कपड़ा में तो बॉडी लोकते नहीं कुछ ए, दिखाई का हाँ हाँ दिखाओ 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 देख हमार बॉडी हाँ यार का बॉडी बने ले बाड़े बाप रे का बॉडी अच्छा ये बताओ कि ऊपर बने ले बाड़े कि लेगो बने ले बाड़े अरे मतलब थाईस हो इस हाँ थाई भी लेकिन यार जींस में तो लोकते नहीं दिखाओ ना देख ले हमार थाई हाँ यार कमाल थाईस बने ले बाड़े बहुत बढ़िया बा माने के पड़ी तो राके हम्म
हमरा कारण तोरा के परेशानी उठावे के पड़ल, हमरा के माफ कर दो। तोहरा नजर में तो हमरा हुआ वाला लेकिन में कोनो फर्क नहीं है ना, जहर लेके के चलू समझेला। ए लखन बाबू ना भैया, देखा हमके ये चुनाव नाव के चक्कर में मत फंसाओ लोग। हम प्रधानी और दानी लड़े वाला नहीं थी। देखा भैया, मना मत करा। हमने के तोसे बहुत उम्मीद बा। काहे से कि पिछला 3 बार से लगातार जोगेश्वर ही ग्राम प्रधान बना तारे और तोहरे सिवा ये गांव में केहू के हिम्मत नहीं के जो उनका मुकाबला कर सके। हाँ भैया, गाँव में तोहर बहुत इज्जत बा। अगर तू चुनाव लड़बा तो बराबरी के मुकाबला हुई। अरे का बराबरी के मुकाबला हुई यार, पूरा गाँव की आबादी बा 25,000, जोने में 15,000 लोग ओकर बिरादरी के बा। ऐसे तो निर्विरोध जीते लाऊ, ओकर मुकाबला कई एकदम असंभव काम बा। तू का बात करता रहा भैया, प्रधानी ओकरा बाप की बपौती है का? अब पूरा गांव आनहर नहीं खे, जोगेश्वर और रामेश्वर के दादागिरी से पूरा गांव परेशान। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही कहता। एक बार हाथ कर भैया, तोहरा के प्रधान बनाओ में हमने के कोनो कसर ना छोड़ो सन। हर हर जोगेश्वर, हर हर जोगेश्वर, जिंदाबाद जिंदाबाद। हां भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हर हर जोगेश्वर, हर हर जोगेश्वर। हां भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हर हर जोगेश्वर, हर हर जोगेश्वर। हां भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हर हर जोगेश्वर, जिंदाबाद जिंदाबाद। हर हर जोगेश्वर, हर हर जोगेश्वर। राम भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।
मुंगेरी लाल के हसीन सपने दस आदमी लेके चुनाव जीते का सपना देखता रहे। अरे देखे दे बेटा देखे दे, सपना देखे के पैसा तोड़े ना लगेला। चार दिन का लौंडा है, चार दिन चढ़ा का दे चढ़ गए सरसों का पेड़ पर। हे बच्चा, जोगेश्वर सिंह का हरा वाला आसान बात नहीं के, कहे से कि जोगेश्वर सिंह एगो मर्द का नाम है। ए, सुना, अब तक तुहार मुकाबला यांडू पांडू से भइल रहे, लेकिन ये चुनाव में तुहरा पता चल जाई कि तू मर्द बाड़ा कि ना मर्द। अरे कैसन मर्द है जे चार साल में एगो बच्चा ना पैदा कर पौलस, वो काहे का मर्द रहे। चुनाव हो जाए तब तो के बताए के मरद है और के ना मरद। समाज का और बिरादरी का दुर्गति होई। अरे ऐसा तब ना होई काका जब राम गांव के प्रधान बनी है, हमने उनके कोनो भी हाल में गांव के प्रधान ना बने दें। का भाई लोग, भाई लोग एक बात याद रखिया, अपने बिरादरी के एक को वोट हिलने से वन्ने ना जाए के चाहिए। अरे तू चिंता जन करा भैया, ई गांव में तोहरा बिरादरी के 15,000 वोट बा और सबके सब वोट सिर्फ तोरा के पड़ी। का हो भैया लो? हाँ, सही बात। जोगेश्वर भैया जिंदाबाद। जोगेश्वर भैया 2,500 वोट के गिनती हो गई बा। अच्छा, और 2,000 से ज्यादा वोट तोहरा के मिलल बा। अरे सही कहा था नी, एकरा के तो बस 2-400 वोट मिलल बा। एकरा मतलब तू खुद समझ जा, तू पानी पियल चालू रखा काहे कि एकदम खकार के थूके के बा। काम है देखा के ना बोलाए। भैया ई कुल बिरादरी वाला धोखा दे देले सन, ऐसन बुझाता। फालतू बात छोड़ी, बताओ कि हमनी के वोट कितना मिलल बा। अरे भैया 6,000 वोट के गिनती हो गई बा, लेकिन चिंता करे के जरूरत नहीं खे। अरे हमनी 300 वोट से आगे बानी। अरे गधा, ई कुल छोड़, पहले ही बताओ पनिया पिएगी ना। अरे संभाल के पिए काका, कहे की ज्यादा पानी पियला से मुतवासो ज्यादा लागेला। हम नहीं की देख सका। अरे ये कि तू केहू के थूक चाटा भैया, ये हम नहीं की देख सका। भैया जल्दी आवा, थूका काका चटी है, कहो काका चटवा ना। ना लखन, हम इतना नीच आदमी ना है कि अपन थूक दूसरे से चटवाए। वैसा हूँ इनकर बिरादरी इनके मुंह में इतना थूक ले बा कि 5 साल तक चाटत रही है। आवा लो। भैया जिंदाबाद, 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 भैया।
बहुत आवता केकर सपना देखत आ रहो। अरे हमार डार्लिंग, अरे हम जेकर सपना देखत रहनी वो तो साक्षात हमरा सामने खड़ा बा। झूठ मत बोला, तू ही तो हमरा के एक बच्चे की बात बोलवले रहलो कि बाबूजी चले जइयो तो आ जइयो। हां हां बोलवले रहनी ना, आवा। हाय रे हमार डार्लिंग, ई तहार झोला तो एकदम खाली बा। अरे आवा ना, हम तहार झोला अबे भर देता नी। हां तू मांगत जा हम दे जातनी, तू मांगत जा हम दे जातनी, तू मांगत जा हम दे जातनी। अरे बताओ ना का चाही। हाय वाला बिस्किट, बिस्किट। हे भगवान, फिर से खाए वाला सामान मांगा दिया। अच्छा बिस्किट, अच्छा ले 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 ले, बिस्कुट रख ला, यूं में से रख ला, एक और रख ला। हाय साबुन, अरे साबुन ले ला। हाय साबुन, यूं साबुन ले ला। तेल, तेल, तेल। अरे तेलो रख ला। तू मांगत जा हम दे जातनी, लाल 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 मुझे रख ला। तू मांगत जा हम दे जातनी, तू मांगत जा हम दे जातनी, तू मांगत जा हम दे जातनी, तू मांगत जा हम दे जातनी। हाय 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 रे हमार डार्लिंग, ये तहार चोटिया कहाँ गई हो। अरे पहले तोर बाल एकदम मखमल नियन मुलायम मुलायम रहे, और आज कैसे भूसा के नियन खुदरल खुदरल हो गई हो। अरे हम हाँ अपन कंजूस बाप से चुरा के तोरा के मस्त खुशबूदार चमेली के तेल तेले रहनी, वो तेलवा तू ना लगावेलू का हो। और आज तू इतना खस्सी पकड़नियन पसाद काहे बाड़ू, कहीं तू हमरा बाप से गले मिलके ना आइलू हा। वो ससुरा तो जब से पैदा भइल तब से आज ले नहीं बेना कहिला का रे। बाबूजी मार मार भूसा कीड़ा नियन आ खस्सी बकरा नियन पसाद हां बताता रे। अरे बाबा अरे जब से हम पैदा भइल बानी नहिले नहीं के बाबा बाबा तू ना हैं तू वो लड़की संगे रही के बिगड़ गइल बाड़े। अब जब तक तोहार ब्याह न कर दे तू ना सुधरवे बेटा। सही बाबूजी, सही कहता रहा। सही कहता नहीं। चल बाबूजी, ब्याह खातिर था हमरो जवानी फड़फड़ाते बा। का कहता रे, जल्दी करना बाबूजी, फटाफट चंपाकली के बुला के चट मंगनी पट बिया कर दो बेटा। बेटा हाँ बाबूजी, तोहार बिया वोहे होई बेटा जहाँ हम चाहे। हाँ हाँ बाबूजी, अबे जल्दी डाला, कितना टाइम लगी बे। बस भैया हो गई। अरे दिन भर में तू लोगों ने क्या काम करवा यार। अरे भैया ये तू लोग क्या करता रहा, इंजन में माटी के तेल डाला था रहा। हाँ डाला था नहीं तब। वाह भैया वाह, हमने के घर में डिबरी में डाले खाते तेल नहीं खे, और तू यहाँ इंजन में माटी के तेल डाल। लुका लुका के देख लो, हम राम भैया के जाके बताई। अच्छा धमकी देता रे, तो राम भैया का उखाड़ लिया रे, इनाम भैया का धमकी का देता रे। जब हम बताई तब पता चली। तो जाके बता दे राम भैया। हाँ बताई बो। देखा तो राम भैया का उखाड़। राम भैया, भैया कहाँ चिल्लाता रहा का भाई? भैया वो रमेशरा इंजन में मिट्टी के तेल डाला तो रहा ला, हम पूछ नहीं हता, अब रंग बहुत मरला सा भैया, बहुत मर मरला सा। तोरा का चाहिए? माटी के तेल। माटी के तेल नहीं खे, चल। हैं माटी के तेल, हैं तोरा का चाहिए? माटी के तेल। माटी के तेल नहीं खे, सरकारी कोटा के नहीं खे, तोरा कोटा वाला था बानू। बा लेकिन 30 रुपये लीटर बा। ठीक बा, और 2 रुपये वाला चावल बा की ना? 2 रुपये किलो वाला चावल नहीं खे, हमरा कोटा के 18 रुपये किलो वाला बा। चाही का? हाँ निकाल दा एक बोरा। अरे नेटा एक बोरा चावल ले आ रे बेटा। हाँ लावा ताली, लावा ता। इले अरे ये सीटी काहे बजावता? मैं हूँ फूड इंस्पेक्टर, लखनऊ से आया हूँ, गिरफ्तार कर लो इसे। पकड़ लो इसे। ए, ए, जुर्म में सरकारी सामान को ब्लैक में बेचने के जुर्म में, और सबूत के तौर पर ये 2 रुपए किलो वाला सरकारी चावल ले जाओ से। बाहर निकालो इसे। रुका रुका रुका। अच्छा तो ये सब तो हार करतूत बा ना? काहे कि तोके पहले समझैले रहनी ना, लेकिन तोरे समझ में तो आइल ना, मजबूर होके हमके ई कदम उठावे के पड़ल। हम तोरा के देख ले। चल चल जल्दी।
अंदर डाल दो इसे अंदर। जोगेश्वर भैया, जोगेश्वर भैया, हमरा का मालूम रहे कि तू हमार जमानत जरूर करीबा। हमरा संगे धोखा भइल बा भैया, उस ससुरा रमुआ हमरा के धोखा से फसौले बा। जब से वो हमरा के प्रधानी के चुनाव में हराइले बा, हमरा नींद नहीं खे आवत। जब ले दोनों भाई का हाय खड़ी ना निकाल दे, हमरा चैन ना मिली। अब तो बस हमारा जिंदगी के खाली एक मकसद बा, बस और बस वो दोनों भाई के बर्बादी। ए, का कर धरुआवा ना? सुना? अरे आवा ना, आवा। सुनिए सीधा जजे बोला बेलो से जरिया थर थर कब मोर सागरी शरीरिया। सुनिए सीधा जजे बोला बेलो से जरिया थर थर कब मोर सागरी शरीरिया। कैसे बात लाई बाटे लाज वाली बत्तिया, कैसे बात लाई बाटे लाज वाली बत्तिया। सुनाए राजा, सुनाए राजा, छुए लत छुए इंतजार देखो हमनी के खटिया। चलो ए रानी कर इंतजार देखो हमनी के खटिया।
चुरा तो एक बार लड़की के देख लेबे ना तो तोर दिमाग चकचका जाए। अरे चंपा कली के भुला जाइबे। और एक बात हमार कान खोल के सुन ले रे। अरे ये रिश्ता हम अपना हाथ से ना जाए दे। अरे पैसा वाला पार्टी बो। अरे जल्दी चल। अरे ऐसे मुंह लटका के मत बैठ रे। एक बार लड़की के देख लेबे ना तोर मन गदगदा जाए। रहुआ देरी मत करी, अपन लड़की के बोला। हाँ, हाँ, रानी के माँ बेटी के बुलावा। रानी बिटिया आवा है ने? अरे उन्हें ना इन्हें देखा। अरे इनके कहो गई? अरे कुछ ना एकर बचपन के बीमारी बा। जब ये ढेर खुश होला ना तो ऐसे ऐसे झटका मारेला। अरे तो इनका इलाज का नहीं करा बता नहीं? एकर एक एको इलाज बा का वो एनाकोंडा कहाँ गई? रुका रुका चुप हो जा रानी, तू काहे रो बतारू? रोई ना तो का करी, हमके जे भी देखे आवेला वो हमके ठुकरा के चल जाला। ई कोनो पहली बार थोड़ी भइला, हमके तो 200 लोग अब तक ठुकरा के चल गईल बा। बहिन हम तो आर हाथ जोड़तानी पाँव पड़तानी। बहिन एक बार तू अपना भाई से हमार ब्याह करा दे, हम उनकर इतना सेवा करब जितना सावित्री सत्यवान के भी ना कहले होई। बहन जवनपुर के हो जवनपुर के निकला गे मुरैया। अरे तू लोग फांसी काहे लगावा तारा लोग? ते हमार बात कान खोल के सुन लेने था। अगर ते रानी संगे बियाह ना करवे ना तो हमन तीनों जन फांसी पर लटक के अपन जान दे देब जा। तो तू हमार बात सुन ला कि हम छोटा हाथी से बियाह ना करब। तू खाली दहेज पावे खातिर हमरा के फसावा तारा। लेकिन तू काहे फांसी लगावा तारू बबुनी? काहे कि वो हमरा पसंद बाड़ी। और तू तो उनके सिर्फ तन देख ला भैया, हम उनकर मन देखनी है। तोहरा के सात जन्म में भी ऐसा मेहरारू ना मिली। ना ना ना, हम पहले ही कह देले बानी हम छोटा हाथी से बियाह ना करब। अरे करबे की ना? ना ना बोल, हाँ की ना? ना ता ना। हाँ की ना? हाँ बहनी हाँ, हम बियाह करब। सोचा कि हम तोहरा संगे सुहागरात मनावे खातिर आयल बानी, बल्कि हम तोहरा के ई बतावे खातिर आयल बानी कि ब्याह हमरा मर्जी के खिलाफ भइल बा। हमनी के ब्याह जरूर भइल बा, लेकिन हम तोहरा संगे कौनो रिश्ता ना रखब। रउआ हमरा के अपना लेनी ई है हमरा खातिर बहुत बर्बाद बाजी। अब रउआ हमरा के जैसे राखब हम वैसे रहब। हम रउआ हर आज्ञा के पालन करब, इहे हमार फर्ज बा। ठीक बा तू पलंग पर सुता, हम नीचे सुता तानी। ना जी,
हम अकेले ई पलंग पर रउआ सामने कैसे सूत सकता नी? रउआ रउआ पलंग पर सूती, हम भुइया सूत जाता नी। इला हमार 10 रुपया, ई हमार 50 रुपया, इला हमार 100 रुपया। ओपन करा। 3 बादशाह। अरे यार कलर आ गई। आज तो मजा आ गई। और यार हमारे जाए के टाइम हो गई बा, हमारा बहुत जरूरी काम बा, हम चलत आनी। ई रोज ही है टाइम पे कहां जाला यार? पता ना कहां पता। चला आज पता लगा के रहे। आरती ई का तू रोज देरी से आवेला, हम कितना देर से खड़ा होके तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अरे डार्लिंग, इश्क और प्यार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का भी मजा लीजिए। कब तक, आखिर कब तक हमनी के छुप छुप के मिलल जाई? अगर हमनी के घर वाला केहू देख ली ना तो बहुत पिटाई लागल जाई। अरे आरती तू चिंता मत कर, हम बहुत जल्दी हमनी के ब्याह के बाद अपना घरे करब। सच? सच में। का यार तू लोग खेले। चलो चलो चलो। Oh!
बोला रहा हूँ लेकी तोहरे बिटिया है नू? हाँ, हमारे लेकी है। और इलेका राम के छोट भाई है नू? हाँ, वह है ससुरा। बोला राम, लेकी तो गांव में तोहरे जत कचरा में मिला देले सो। बोला राम, कहाँ जाता रहा? घरे जाता रही। बोला राम, हाँ? अब तो तुम्हारी है मन करत होई कि अपने बिटिया का हाथ गोड़ तोड़ दी। सही कहा था नी भैया, अब हम घरे जाए और ओकर हाथ गोड़ तोड़ दे, पक्का कहा था नी। और ओकर कॉलेज भी छोड़वा दी। हाँ, यूं सही कहा था नी, अब ओकर कॉलेज गई बंद करा दे। और कौनो अच्छा लड़का देखकर ओकर ब्याह करवा दी। यो ठीक हुआ, ये काम तो हम बहुत जल्दी कराई। बोला राम, हाँ? गधा रहले गधा रहबे। काहो गइल भैया, तोरा बिटिया का कौन मिठाई पसंद बा? हे लड्डू बेटा, आरती आरती ई देख, हम तोरा खातिर लड्डू ले आयल बानी, तोरा के पसंद बाना, एने आवा। लड्डू खा। खा लो। अच्छा बेटी, साफ साफ बतावा, कब से चलाता ई लपर जपर? केकर लपर जपर चलाता जी? अरे राम के भाई लखन संगे तो हार बेटी के लपर झपर चला था। रवो सही कहा था नी जी, कारे बनचन सारा गांव में हमनी के नाक कटा दही लेना। अरे रहेदा रहेदा, बड़ा आईली नाक कटावे वाली। ला तहू लड्डू खा। रखा पर लड्डू, तोहरा के खुशी सुन जाता, हमार बदन कोयला नियर जरत था। अरे तू ऐसे ही कोयला नियर जरत रहा, और वही कोयला में हम अपन चक्कर के ऐसन खिचड़ी पकाई कि वो रमुआ खाई ना तो चक्कर खा के धम से गिर जाई। भौजी, भौजी हमरा एगो बहुत जरूरी बात करे के बा। हाँ बताई ना, क्या बात है भौजी? उका है ना हम ना। अरे का कहाना कहाना लगवले बानी, सोझे बताई क्या बात है भौजी? उका है ना, हम एगो लड़की से प्यार करे नी। तो एमे कौन नया बात बा? ई उम्र में लड़का कुल या तो मार झगड़ा करेले सन या तो प्यार करेले। अच्छा पहले ई बताई, वो लड़की के नाम का है? आरती। के आरती? वो भोला राम की बेटी भौजी। भोला राम की बेटी? देवर जी ई रिश्ता नहीं खे हो सकत। लेकिन काहे भौजी? रउआ जानत आनी ना, वो लड़की के खानदान कैसन बा, ओकर माई बाबू जी घर वाला सब कैसन बा लोग, उकनी में और हमनी में कितना दुश्मनी बा। अब लेकिन भौजी। लखन भैया घबरा मत, हम तुहार सब बात सुन लेले बानी। लेकिन तुहार भौजी सही कहा था, पर सुधा एमे वो लड़की के का कसूर बा जोना की गदा अपना प्रेम जाल में फंसे ले बा? अरे हम मानत आनी कि ओकर माई बाबू लोग ठीक नहीं थे, पर का आज तक आरती के बारे में कुछ गलत सुन ले बाड़ो? ना। अरे तो हमनी के घर में आरती के लिया बकवा, ओकर माई बाबू के थोड़े लिया बकवा। भैया एकर मतलब तू आरती के बाबूजी से बात करे जी बा? अरे तोहरा खुशी खातिर तो हम कुछ कर सकता है। भैया प्रणाम करता है। अरे खुश रह प्रधान बाबू। अरे तू हमरा ई कुटिया में आइला, हमार तो भागे खुल गई। अरे ओ मेरी दुकान माई रहला तो इनके जेल करा देला, अब के कौन तमाशा करे आइल बाड़ा? अरे चुप रहा, मेहमान आइल बाड़े। अरे कुछ खाए पिए के लबू के बकर बकर करबू, चलो जा। अरे प्रधान बाबू बैठा बैठा। अरे बैठा भैया बैठा। बोला का सेवा करी? देखो अब हमके घुमा फिरा के बात ना करे वाला, हम अपन छोट भाई लखन और तुहार बेटी आरती के रिश्ता के बात करे आइल बानी। हमरा बात के पूरा जन मानिया बेटा। हाँ, पर हकीकत बात ई बा कि जौना घर के जमीन जायदाद धन दौलत में बड़ा भाई सांप नियन कुंडली मार के बैठल बा, उ घर में हम अपन बेटी के कैसे दे सकता नहीं। हम तो हर बात बुझ गए रही, लेकिन साफ साफ कहा कहल का चादर ता साफ साफ बात ई बा, जब तक दोनों भाई के हिस्सा बंटवारा न हो जाये तब तक हम अपन बेटी के ना दे। लेकिन हम ही हिस्सा बंटवारा के सख्त खिलाफ बानी। तय चुप रहा, दुनियादारी के बात तय का जान पे। दुनियादारी की बात नहीं जानत, लेकिन ये बात जरूर जानी ले कि अगर दो भाई के बीच बंटवारा करा के हम घर में जाइब
तो का हमरा के वो मान सम्मान और प्यार दुलार मिली जेकर हम हकदार बानी। और बाबूजी साहब साफ सुन ली, अगर हमार ब्याह बंटवारा के शर्त पे हुई तो हम ही ब्याह ना करब। धनेश, ए ब्याह के लेके जोन हमर मन में शंका रहे एकदम खत्म हो गई। देखा लो, हमरा से हिस्सा बंटवारा मांगे के हक दुनिया में सिर्फ हमार भाई लखन के बा। और रहल बात ब्याह के, तमार भाई जवान बा, बालिक बा, तुहार बेटी भी बालिक बा, और कहीं एकनी के दोनों भाग के ब्याह कर लेने सन तो हम तो एकनी के रोके वाला नहीं। आगे जैसन तुहार मर्जी, चला तानी जय राम जी की। अरे जा जा, बड़ा इल बड़ा हमार बेटी के भगवैया। ए तोहरा बेटी के ये चाल चलन रही ना तो एक दिन ये दिन देखे के पड़ जाई। सही कहा तानी जी। हाँ। और तू का रे बीच में लपर लपर बोलत आ रे। अरे एगो हमार बात ध्यान से सुन ले। अरे ऊ घर में ब्याह करके जेबे ना तो जाना तारे। अरे जौना घर में जेठानी के राज चलेला ऊ घर में देवरानी नौकरानी बन के रह ले, बुझ गए ले। अब रहुआ का टुकुर टुकुर देखा तानी जी, आगे का करके बाप पहले ऊ सोची। अरे हम सोच ले रहनी के कोनो चक्कर चलाई, हम खुद चक्कर में पड़ गए वाली। रुका ना, कहाँ जाता रू? का करे तानी जी, छोड़ी ना। का छोड़ी छोड़ी, ब्याह के पहले छोड़ी, ब्याह के बादो छोड़ी, तब पकड़ी कब? अरे राजा जी ब्याहन हो गई, दीदी का सोची है, अब हमरा के जाए दी, हमरा के जाए दी ना। दीदी, दीना हम सब्जी काट देता नहीं। अरे तू यहाँ कहाँ आ गई लू? तू जा। दीना दीदी। अरे द दीदी, रउआ हमरा से नाराज बानी का? ना हो तो हमरा के काम का ही ना करे देता नहीं। अरे पगली, हमारे को बात सुना। जाना तारू, ये जौन मरद लोग होले ना, ये बियाह के बाद बस दो चार महीना तक मेहरारून के आगे पीछे नाचे ले। ओकरा बाद पूरा जिंदगी मेहरारून के मरद के आगे पीछे नाचे के पड़ेला, बुझाइल? जाने तारू, जब हम बियाह करके घर में आयल रहनी तो लखन के भैया के ऊपर काम के इतना जिम्मेदारी रहे कि हमरा के कहीं घुमावे फिरावे खातिर उनका लगे टाइम ही ना रहे। लेकिन हम चाहतानी कि तोहरा के नया शादी के सब सुख मिले, यही से जल्दी जल्दी तू और देवर जी प्रोग्राम बनावा और जाके हनीमून मना के आवा लो। हनीमून वनीमून सब सहरी चोचला है दीदी। लखन, लखन। हाँ भैया। हाँ, अरे यार हमारे दिमाग में एगो आइडिया आईला। कैसा ना आइडिया? तू कहीं हनीमून मनावे ना जीबा? कब तो चल जाई भैया। अरे तो जो ना तैयारी कर। ठीक बा भैया। अरे ये का करता नहीं, छोड़ी ना तो केहू देख ली। अरे तो देख ली तो देख ली, अब केहू के डर बा का? अरे रउआ समय देखे नहीं ना मौका, जब मर्जी शुरू हो जाता नहीं, छोड़ी ना छोड़ी। अरे वो सब छोड़ा, जाना तरु भैया आज हमरा के कहना हनीमून पे जाए के बा। हनीमून पर? हाँ। हनीमून पर के जाई? आई हो दादा, हनीमून पे हम जाई, तू जाइबू और का गांव वाला जाइए? ना ना, दीदी जाइए तबे हम जाई। लेकिन तुहार दीदी कहिए कि भैया जाइए तब जाई, तब का करबो? अरे ये तो हम चाहता नहीं दीदी, यही बहाने बाहर भी घूम ली है। जा कहा भौजी से? रोवा कहीं ना जाई, ना रोवा जाई ना। भैया वो आरती कहता रही कि जब तू लो चलबा तबे जाइए। अरे यार हमनी के कहाँ कबाब में हड्डी बने जाएगी, तोहार और बहू के घूमे फिरे के दिन बा, तू लोग जा। ना भैया, जब दीदी जाइए तबे हम जाए। हाँ भैया चला ना। अरे यार हमके पंचायत के इतना काम बा। रउआ लग गए हमेशा कामे रहेला, हमरा खातिर रउआ लग गए कबो टाइम ना रहेला। अरे घुसियात का है बाड़ू, सुनो ना। अच्छा ठीक बा, हमनी होके चल जाइए। देख लू भौजी के भड़कते भैया मान गए ले। अरे यार तो हम इनसे कबो जीतल बानी की जीतब, आज फिर हार गए नी। अब तो हंस दा। हंस दो ना भौजी, हंसबू की प्लान कैंसिल करी।
जब टूटेला दुगो दिल जुटेला खेला के होला शुरुआत हो जब बनी मन सुन जब होखी बरसात गोरी रोज हो जैसे देवले दुलार हो हौजी बाड़ू सीता के समान लक्ष्मण के जैसे बाड़ा देवरो हमार हो बसे देव रानी में प्राण हो ऐसे बनल रहे हमनी के जो बाबूजी प्रणाम मैं प्रणाम रह दे घूमे फिरे गईले तो हमने के ना बताई हां सही बात बा ओ जल्दी जल्दी में चल गई नी जा बतावे के टाइम ही ना मिलल वाह रे अपना माई बाप के बतावे के टाइम ना मिलल ओ पहले ये बतावा कि तोहार दिमाग सनक गइल बा का तू और दमाद अकेले कहीं नहीं गईला लोग अरे ओ बांज बाजिन के साथे ले जाके का जरूरत रहे ये का कह दारू माई हम तोरा के सिखौले रहनी ना कि अपन जेठानी से कोनो बात में समझौता ना करिए ओ कही सुन तते कहे का है रे वो कही है ने आवा तो ते कही है कि ना आए हर बात में अपना जेठानी के उल्टा जवाब देबे ना तो दोनों भाई में झगड़ा हुई और दोनों में झगड़ा हुई तो लखन थक हार के अपन घर अलग बसाली है और जब अपन अलग घर बसाली है तो तोरा पता बना कि तोरा का करे के बा अब इतना बता देली तो उहो बता दे हम तोरा के डिब्बा में छेना डाल के भेजब जब हम तोरा के छेना डाल के भेजब तो तू ओखरा में चांदी के कटोरी डाल के भेजिया और जब हम तोरा के चांदी के कटोरी में दाल डाल के भेजब तो तू में सोना के ना सिक्का डाल के भेजिया बस देती कर देले माई जौन बातें हमरा के सिखावता रे अगर उहे बात दुनिया के हर माई अपना बेटी के सिखावत रही और वो बेटी मान ले रही तो दुनिया कब की नरक बन गल रही अब तू लोग कान खोल के सुन ल तू लोग हमार ब्याह कर देला विदाई कर देला अब यही हमार घर है अब ये घर के सुख दुख हमार सुख दुख है ये घर के हर दुश्मन हमार दुश्मन है और तू लोग आज के बाद ही घर में कदम मत रखिया वो कहा है ना नैहर के लोगन के बेटी के ससुराल ज्यादा आयल गई शोभा ना दिला अरे हो गई तसल्ली तोरे बेटी तोरे मुंह में जम के जूता मार ले बिया देखा अपन मुंह एकदम जूता जैसे हो गई बा घर चला हाँ, चला हाँ। चला आज अमूरे रानी आओ तानी मोर राजा जी आओ तानी आ जाना
आ गई नी मोर राजा जी। हमरा हाथ के धलन रानी 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 हमरा के अपन भैया मर ले लेना रानी रानी आजा रानी ए छोटा हाथी का जी रात में हम तोरा संग कुछ कहनी है का? हाँ सब कुछ तक कह देनी। अरे तोरा का जरूरत रहे हमरा लगे आवे के? रहुआ तक कहत रानी अब आजा मोर रानी आजा मोर रानी तो हम आ गए नहीं रहुआ लगे। ए भगवान ये हम का कर देनी हम तो लूट गई नी बर्बाद हो गई नी हम तो चंपा के अपन मुंह दिखावे लायक ना रह गई नी। हो गई लिंगा ये देखी ना कहा हो गई आरती के लखन। हाँ भैया क्या लखन? आरती आरती ए आरती अरे कहाँ आरती आरती करता रे जो जल्दी डॉक्टर के फोन कर। हाँ भैया करता नहीं लखन। भैया खुशखबरी है आप बाप बनने वाले हैं। अच्छा हाँ? अरे सुधा तू बैठल का मारू अरे सबकर मुंह बिठा करावा हम बड़का पापा बनने वाला बानी और तू बड़की भाई। हाँ जल्दी जा जी। सुधा डॉक्टर देखिए सुधा। अरे इन्हें भी वही बीमारी है। कैसा बीमारी? राम भैया आप भी बाप बनने वाले हैं। अरे वाह भैया आज तो कमाल हो गई हमने की दूध को खुशखबरी मिला। हे भगवान तो से हाथ जोड़ के विनती बा हमरा खुशी में कोनो ग्रहण मत लगे। अजी सुना तानी? अरे क्या हो गई काहे चिल्ला तारू? हमे को खुश खबरी ले आल वाली हमार आरती माई बने वाली भी आ। सही है? हाँ हम नानी बना और रहुआ नाना। अरे वाह वाह ये तो बहुत ही खुशी के खबर बा भाई। लेकिन एगो बुरा खबर भी बा। हैं कौन बुरा खबर? अरे वो जेठनिया भी माई बने वाली बिया। अरे कौन जेठनिया? अरे वही आरतिया के जेठनिया। अरे ओहो माई बने वाली बिया। ये तो सच में बहुत बुरी खबर बा। इस ससुराल राम तो पहले ही बहुत अकड़त रहे और ऊपर से कोनो गलती से अगर बाप बन गए तब तो ससुराल और आग मूती। सही कहा तारा भैया। भौजी तू एगो काम करा कोनो जतन करके कैसे भी अपना बेटी के इहवा अपना घर में ले आवा ओकरा आगे के सारा माजरा हम बताए कि का होई और कैसे होई। आरती अरे घर में केहू बा के ना? बाबूजी प्रणाम प्रणाम माताजी। सुननी हा हमार बेटी माई बने वाली भी है। हाँ, हाँ। हाँ, हमरा घर के नियम हा कि बेटी के पहला लड़का नैहर में होला यही खातिर आरती के ले जायल बानी जा। अच्छा ठीक बा पहले बैठी लोग। अरे सुधा वो आरती के माई बाबूजी लोग आयल बा ओ लोग के कहना मा कि पहला लड़का नैहर में होके के चाहे। दीदी हमार गेल जरूरी बा का? ना हो जरूरी तो नहीं खे लेकिन जौना में तोहार खुशी बा ओही में हमनियों के खुशी बा। ते रवे बता दी ना कि हमार खुशी कहाँ रहे में बा? तोहार खुशी हमरा लगे रहे में बा। ते दीदी भैया के बता दी ना? सुन लेनी रहुआ ये नहीं की जाए के चाह। अच्छा ठीक इतना देर हो गई बाबूजी वो जाए कि नहीं की कह। अच्छा तो हमनी के बारे बार भेजतिया मिले खातिर भी ना आइल। अरे इतना बड़ा महारानी हो गई बिया का वो का रे तोरे लगे इतना टाइम नहीं खे माई बाबूजी घर आइल बा तो तनी मिल ली बतिया ली। ना माई हम खाना बनावत रहनी है। चल जो अपना कपड़ा लत्ता उठाओ और चल घरे। माई हम ना जाए। काहे ना जाइबे हम तोरा के लेले बिना ना जाए। अरे नहीं खी जाए कह तो काहे जीत करत है रह दीना हमनी के बानी जाना इनकर देखभाल करे खातिर। अरे तू लोग का देखभाल करबा ए घर में केहू के बाल बच्चे पैदा करे के तजुर्बा बा जे देखभाल करबा। अरे जौना पेड़मा का वो फल फूल ना लगल हो वो का फल दी और दूसर के फल की का कदर करी? यही से हम तोरा संगे नहीं खेचात माई। वो कहा कि जब देखा तब तो सिर्फ लड़ाई झगड़ा के बात करे लू पहले अपना पड़ोस में लड़त रह लू और अब तो यहाँ आके झगड़ा करता रू। और हाँ माई हमार बात साफ साफ सुन लो यहाँ दीदी में माई बने वाली बड़ी और हम उनकी ये हालत में क्लास छोड़ के नहीं खींच जा सकत। अरे उमर हुस का माई बनी ओकर तो नसीबे नहीं खे माई बने के। देखा बहुत बोला तारू तू
अपन जवान संभाल के बात कर। अरे का जवान संभाल के बात करी? अरे हम तो छाते टोक के कहा था नहीं जो कभी माई ना बन सकी। अरे बस कर भाई, अब तू जा यहाँ से। हाँ हाँ जाता नहीं, फिर जाते जाते हमरो एको बात ध्यान से सुन ले। अरे तुर मनोज जेठानी जे तोरा के हमारे से अलग कर दिया ना, वो कबो सुखी ना रही, वो कबो माई ना बनी। अरे ओकर तो लीका ओकर कोखे में मर जाई। हाँ चली जी, चला। अरे चली जी, चली। सुधा, ए जी, हम माई बने के चाहता नहीं जी, हम माई बने के चाहता नहीं, हम माई बनब नू। हाँ। बनब नू हम माई। तू माई बन बो, तू इतना पढ़ा लिखा लोगे, ये सब बात सोचता रहूं। हाँ, ए सुधा, तू माई बन बो। क्यों भैया नाव सनाव बोल दी, तो काव कर बात सच हो जाए। तू माई बन बो, तू जरूर माई बन बो। तो के माई बने से दुनिया के कोनो ताकत नहीं के रोक सकल। आखिर आज तो हमरा पकड़ में आई गैलू मोरे चंपा कली। तू ही जा गईला? हाय, आज ना हम तो के छोड़ब दम दम दम। दिल में बात तूफान भरल दम दम दम। दूर रह हमरा से, दूर रह, हमें लगे जनावा। आज जनी रोका हमके चंपा कली, और कितना चक्कर लगौनी हम तोहरा गली। हम सब जानत नहीं, तू 10 चक्कर लगो ले बड़ा हमरा घर के। अरे तोरा किसे मालूम रे चंपा कली? हम अपना घर की खिड़की से तोरा के लुका लुका के देखत रहनी। और तो तोरा एक दिन हो गई ना कि हम तोरा से कितना प्यार करेनी। अरे हाँ हमार नेठा, हम जानत नहीं कि तू हमरा से ढेर सारा प्यार करेला। तो फिर देरी काहे करत तारू, आजा आजा हमरा छाती से सट जाना रानी। ना पहले वो मोटकी के तलाक दा। अरे हाँ हम दे दे वो मोटली के तलाक, अब तो गले लग जा। दिखाओ दिखाओ दोर मुटकी आ गए। ते यहाँ का करे आ गई ले रे ताड़का। हम तो राव चट्टी बनियान धोवे खाते रायल बानी जी। अब से तोरा धोवे के कोनो जरूरत नहीं है, हमार चट्टी बनियान अब से चंपा कली धोई है हमार चट्टी बनियान। तो इला धोवा ला। इला ठीक हम ना धोप तो हर चट्टी बनियान। और तोर इतना हिम्मत, रुक बता बता नहीं। अरे नाराज मत होखा बहिन। हाँ हम तो तोरा से ई सीखे खाते रहनी हा कि ऐसा कौन सा मोहिनी मंत्र डलले बाड़ू तू हमरा पति पर जे हमरा के छोड़ के तोहरे पीछे पड़ल रहे ले। छोड़ हमार हाथ, हमके बता देना बहिन, हमके बता दे। अरे दिखा दे बहिन, अरे कहाँ भागे तारे, अरे दिखा देना बहिन, रुका। ए जी अब हमार मन कर रहा था रोवा संगे नहाए के। जी, कैसे पेड़ पर लटकत बानी जी बानर जैसन। अच्छा हम यहाँ बानर जैसे लटकल बानी, ढेर हाथी सुजाता तोहरा के। अरे तोहरा के अपन घर से न भगवनी तो हमार नाम नेटा ना। ओ हाय। अरे दुल्हन ये कहाँ करता रहतू, ऐसे न हालत में क्यों इतना भारी सामान उठाओ लगा? अरे काकी टमाटर ही तो है। अरे तो काबिल काकी लगा था कि बच्चा होकर समय आ गया बा, जा जल्दी अस्पताल लेके जा। लखन हाँ भैया जल्दी से गाड़ी निकाल हॉस्पिटल चले के बा। राम भैया काबिल डॉक्टर साहिबा देखिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कैसे प्रॉब्लम है? आरती पहले से ही लो बीपी की मरीज है और इस प्रेगनेंसी के कारण वो और भी कमजोर हो गई है। अब फैसला आप लोगों को करना है कि मैं बच्चे को बचाऊं या उसकी माँ को। नहीं नहीं डॉक्टर साहिबा, आप कैसे भी करके दोनों को बचाइए प्लीज। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप माँ बच्चा दोनों को बचा लीजिए। देखिए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, बाकी आगे भगवान की मर्जी। मैंने कुछ जरूरी दवाइयाँ लिख दी है, इसे जल्दी से ले आइए। भैया हम ले क्या होता नहीं। मैडम जी सुधा के पास जल्दी चलिए प्लीज। हाँ चलो। राम भैया मुबारक हो, आप बाप बन गए। का हम बाप बन गए? नहीं हम अभागा आदमी बाप बन गए डॉक्टर साहब, हमके यकीन नहीं क्यों कि हम बाप बन गए। नहीं हाँ हाँ आप एक सुंदर और स्वस्थ बेटे के बाप बन गए हैं और सुधा जी भी बिल्कुल ठीक हैं। डॉक्टर साहब
हम सुधा से मिल सका नहीं। बिल्कुल। सुधा। हाँ, हम सुधा हैं। अब सब केहू हम के ही है नाम लेके बुलाई हैं। बीच में हमरा के बहुत नाम मिलल रहे। अभागिन, मनहूस, बांझ और न जाने कौन कौन नाम से लोग बुलावत रहे, लेकिन अब ये सब नाम से केहू ना बुलाई। काहे कि अब हम माई बन गई नी। रउआ खुश तो बानी ना? सुधा, हम बहुत खुश बानी। बस आरती के। मैडम जी। हाँ? जल्दी चलिए। क्या हुआ? वो आरती। अच्छा, तुम चलो, मैं आती हूँ। ओके मैम। राम भैया, आप यहीं रहिए, मैं अभी आती हूँ। ये सब का होता? रउआ हमसे कुछ छुपावा था नी का? ना सुधा, सब ठीक बा, तू चिंता मत कर। का भाई डॉक्टर साहब? आरती बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसका मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आरती बिल्कुल ठीक है। फिलहाल उसकी जान को कोई खतरा नहीं है। फिलहाल? फिलहाल माने? देखिए, वो पहले से ही कमजोर है और उसका बच्चा भी ऑपरेशन से हुआ है, और इस वक्त वो कोई भी छोटा सा भी सदमा बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। मतलब उसके बच्चे के मरने की खबर? नहीं नहीं, उसे अभी तक होश नहीं आया है, लेकिन अगर होश में आने के बाद उसे पता चला कि उसका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है, तो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, उसकी जान भी जा सकती है। उसकी जान बचाने का एक तरीका है। क्या तरीका है? जल्दी बताइए। देखिए, उसके होश में आने के पहले यदि उसके पास आज ही का पैदा हुआ बच्चा रख दिया जाए तो उसकी जान बच सकती है। मैं समझ गया डॉक्टर साहब। क्या मैं बहू को देख सकता हूँ? डॉक्टर साहब, इसको होश आ रहा है। हाँ, इन्हें होश आ रहा है, जाइए आप, जल्दी जाइए। हाँ। काजी, का भइल आरती के? कैसन बाड़ी हूँ? ठीक है बाड़ी। ठीक है बाड़ी मतलब? खतरा से बाहर बाड़ी। ओके, अभी बच्चा भइल कि ना? भइल, लेकिन बच्चा मरल पैदा भइल। हे भगवान, हे भगवान, इरवा का कहता नहीं? जेकर शुभ कदम घर में पड़ते ही बरसों बाद हम माई बन गई नी, ऐसन लक्ष्मी जैसन बहन के गोद सुना हो गए। हम ओके देखल चाहता नी, हमरा बुझाता कि ओकर तबियत बहुत खराब हुई। बहुत का? बहुत ज्यादा खराब। और डॉक्टर साहिबा तो यहाँ तक कह लिया कि छोटा सा भी सदमा बर्दाश्त करे के लायक नहीं के। अभी तो बेहोश बड़ी, लेकिन जैसे उनके पता चली कि उनका बच्चा मर गया बा, तो उनका जान भी जा सकेला। हमरा समझ में नहीं आऊ कि हम का करें। बस आखिरी उम्मीद लेके तुहरा पास आयल बानी, पर समझ में नहीं आवत कि हम तो से कैसे कहें। ए में सोचे के कौन बात है जी? अब आरती के होश में आइला से पहले हमनी के बच्चा ओकरा गोद में रख दी, और वो होश में आई तो ओके कह दी कि ओकरे बच्चा बा। हमके तो से यही उम्मीद रहे सुधा। सुनी जी, जब आरती होश में आई और हमरा से पूछी कि दीदी तुहार बच्चा कहाँ बा, तब हम का जवाब देब? जवाब का देवे के बा? का देवे के?
कि हमने की बच्चा मर गई। हीरो बा का कहता नहीं? अरे इसाज थोड़े बा, लेकिन झूठ तो बोले के पड़ी ना। ठीक बा, कह दे, लेकिन कितना दिन तक? जब तक आरती के तबीयत ठीक नहीं हो जाए, हमें एक दिन भी लग सकता, एक साल भी लग सकता, दस साल भी लग सकता, लेकिन अभी देर होता सुधा, हमने के पास सोचे के टाइम नहीं के। ठीक बा, ले जाइए के, हमके कोनो ऐतराज नहीं के, अभी तो हम सबके बोल दे कि हमार बच्चा मरल पैदा भइल बा, लेकिन कुछ वक्त गुजरला के बाद जब हम सबसे कहें कि हमार बच्चा मरल ना रहे, वो जिंदा, ये हमार बच्चा, तका लोग हमार विश्वास करी। सुधा, आरती जिंदगी और मौत के दरवाजा पे खड़ा पड़ी, और तू आरती के फिकर छोड़ के दुनिया की फिकर करा था रू। तो काहे ना करी, राउर मनी नहीं की जानत कि दुनिया वाला हमरा पर कैसन कैसन लांछन लगवले बा, जहां जाए बस एक के को बात सुने के मिलेला, बांझ बांझ रवो के भी तो लोग कितना ताना मरले बा, और आज जब पहला बार हमके उन लोगन के जवाब देवे के मौका मिलल बा, तो रवो कहता नहीं कि हम कह दी कि हमार बच्चा मरल पैदा भइल बा। आज माई बनला के बाद भी रवो हमरा के बांझ कहलावल चाहता नहीं। सुनी, हम आरती के अपन बच्चा दे सकता नहीं, लेकिन एक बेर, बस एक बेर हम ही दुनिया वालन के बतावल चाहता नहीं कि हम बांझ नहीं की, ये बच्चा ये हमार बच्चा बा, हम एके जन्म देले बानी। ना सुधा, ये नहीं के हो सका, दुनिया के साथ साथ आरती के भी ये पता चले के चाहिए कि ये बच्चा के आरती जन्म देले बाड़ी, तू ना। ना, हमरा से ही नहीं खे हो सकत। हम तोरा से आखिरी बार विनती करता है, हमार बात मान जा। रुआ हमार बात समझे के कोशिश करी। देखा, तोरा हाँ कला से वो बेचारी की जान बच जाई, और तोरा ना कला से मर जाए। हम तो कहते बानी कि अपन बच्चा ओके दे दे, लेकिन ओकरा से पहले एक बेर, बस एक बेर हम उन लोगन के मुंह बंद करल चाहता नहीं जे हमरा के बांझ कह कह के ताना मर ले बा, और ये हम करके दिखाई। हम बाप बन गए नहीं भैया? कहा? हाँ भैया, चलो देखा ना कितना सुंदर लड़का बा। तोरा से कबो जीत ना पोनी, आज फिर हार गई। भौजी, भगवान की मर्जी और तकदीर के खेल तो हम नहीं खी जानत, लेकिन अगर आरती की गोद सूना करके भगवान तुहार गोद भर देले रहते तो हमारा ज्यादा खुशी होके, हमरा नजर में हमरा औलाद से बढ़ के तोरा आंसू की कीमत बा भौजी। मत रो भौजी। अरे आवा आवा,
आज हम बहुत खुश बानी। वो यही से कि हम नाना बन गए बानी और ये खुशी में हम पूरा गांव में लड्डू बन ले बानी। एक को घर नहीं के छोड़ ले। प्रधान बाबू तहू लड्डू खा। इका करे दानी जी रोरा नहीं के मालूम का के का लेका मर गई। अरे हम तो सुननी हाँ सुधा के लेका सुधा के कोखे में मर गई। हमने के बहुत दुख भइल पर का करबू लोग कहेला कि केहू केहू के कोखे खराब होला। तू का कहता रुमाई तू होश में तो बाड़ू। हम सही कहता नहीं और हम का सारी दुनिया कहता कि मनहूसा मनहूसे रही। आरती अगर ये लोग तुम्हारे माई बाप ना रही तो अपन भौजी के बेइज्जती करे वाला के वो हाल करती कि पूरा दुनिया याद रखी। अरे बाबू तू हमरा के का अंक दिखाओ तारा। अरे मनहूसा जब अपन लेका के खैलस एक दिन तोरो लेका के ना खैलस तो हमार नाम बिजली ना बिजली याद रखी। हा बहू अपना माई बाप के कहा तुरंत यहाँ से जाएगी ना तो आज यहाँ अनर्थ हो जी। माई हम तोरा हाथ जोड़े तानी तू लोग चुपचाप यहाँ से चल जा। माई हमने हमार नाती और तोरा के लेले बिना ये घर से ना जाए। ये लोग ना जाए तू लोग जा यहाँ से। हमने के तो जाता नहीं जा बाबू लेकिन तू एगो बात याद रखी हा तू अपन भौजी के पैर में अनहर हो गई बाला तोहरा के कुछ नहीं के लौकत लेकिन हमरा के लौकता। ई मनहूस आज अपन लड़का के खेले दिया और याद रखी हा ई तोहरा लड़का के खा जाई तोर लड़का के निमोनिया हो जाई हैजा हो जाई ऐसा बुखार होई तेज बुखार में तोर लड़का तड़प तड़प के मर जाई। दीदी दीदी ई ल तोहर लड़का ना ना ल ना दीदी ना आरती हमरा बहुत डर लागत ना। दीदी डरी मत ई त तोहरे लड़का हा तू ही एकर माई हौ। हाँ दीदी हमरा के त सिर्फ माई कही लेकिन तोहरा के तई बड़की माई कही। दीदी तू त माई से भी बड़के बाड़ू ल ना दीदी ल। दीदी हमार माई बाप तो अनपढ़ बालोक उ लोग के बात के बुरा न मानी। हेलो हेलो एनीबॉडी इज हियर इज इट भोलाराम हाउस। हम ही भोलाराम कही का बात बा। वेयर इज योर ट्रैक्टर आई हैव कम टू टेक योर ट्रैक्टर। ट्रैक्टर ये ट्रैक्टर ट्रैक्टर करा था का हो गए जी। अरे पता ना ये का अंग्रेजी में ट्रैक्टर ट्रैक्टर कहा था। ओ यू स्टूपिड मैन यू हैव नॉट पेड द इंस्टॉलमेंट ऑफ आवर बैंक सो आई हैव कम टू सीज योर ट्रैक्टर अंडरस्टैंड। ओ कम ऑन डोंट वेस्ट माय टाइम सो योर ट्रैक्टर यू इडियट शट अप। हुम आर यू कॉलिंग इडियट दे आर नॉट यू आर इडियट स्टूपिड। डोंट यू नो हाउ टू बिहेव विद योर एल्डर्स। This is your etiquette? What's your problem? Look, madam, look. He has not paid the installment. So I have come to take the tractor. Okay, Mr. Manager. Look, you will get back your money within 3 days. Understand? Now get lost. Bahu, wo sasur kaha kahat rahe? Rauwa, bank se kono tractor le le bani ka? Haan, loan mil le rani. Okar... तीन को किस्त नहीं की भरले का? अब का बताई बहू जब से सरकारी राशन की दुकान बंद भइल बा तब से हमारी किराना की दुकान भी नहीं के चलत वही से लोन न भर पाऊनी। यही से वो अपन ट्रैक्टर ले जाए खातिर आयल रहल हा। तब तू का कह के बगावले बेटा? हम कहनी कि 3 दिन के अंदर लोन के पैसा भरा जाए। 3 दिन में इतना पैसा कहाँ से आई? कितना पैसा हुई बाबूजी? कम से कम 2 लाख। ई ली बाबूजी ई जेवर 2 लाख से ज्यादा के हुई एकरा के बेच के लोन चुका दी। ना ना बेटी एकर जरूरत नहीं के। कैसे जरूरत नहीं के? लदे हमरा के दे। अरे तू इतना अंग्रेजी कहाँ से सीख लू? हाँ हम तो बचपन से इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े हैं जी। हाँ? अंग्रेजी में एमए है। लेकिन तेरा बाबूजी तो कहत रहले कि तू 10वीं फेल बाड़ू। रउआ 10वीं फेल बानी और रउआ हमरे सामने शर्मिंदा ना होई एक खातिर हमरे बाबूजी ऐसे बोल ले रहले। हम चाय बना के लावतानी। चाय चाय चाय
आरती इका बार बार अपना लड़का के हमरा लग गए छोड़ के जाता रू। अब का बताएं दीदी, एक रगी दिन रात उठवले उठवले हमार हाथ हमार गोड़ सब बहुत दुखाए लागल बा। दीदी एक रगी अपने लगे सुता ली ना। ठीक बा, तू जा आराम कर। अरे माई रे माई, हमार डार हमार हाथ हमार गोड़। अरे आरती का भाई, डॉक्टर के बुलाएं का? रहुआ चकमा खा गई नी ना। चकमा? कैसन चकमा? दीदी के सामने हम ऐसा नाटक कही नहीं है तो वो गुड्डू के ले लेनी है। नाटक? लेकिन नाटक की जरूरत का बा? रहुआ समझी ना, भगवान दीदी के लड़का छीन ले ले, हम ऐसा नाटक करके गुड्डू के दे देनी तो हमरा बड़ खुशी होला। अच्छा तो ये बात है। बदमाश। ए भौजी, मछली खेले बहुत दिन हो गई बा, बहुत खाए के मन करता। तो ठीक बा, हम काले रोवा खातिर मछली बना दे। अच्छा हाँ, लेकिन मछली यहाँ किचन में ना, वहाँ बाहर बनावे के पड़ी चूल्हा पर। ठीक बा। अरे माई इतना जर गई। Check it.
के बाद रउआ हमरे संगे पहली बार मंदिर आयल बानी। हमरा कितना खुशी होता हम कह नहीं की सकत। अरे देखो लोगन का जोड़ी आ रहल बा, ट्रक के साथ स्कूटर आ रहल बा। अरे तनी लो उ गीत सुन ले बाड़े की ना। कौन गीत? अरे वो है अरे जिसकी बीबी मोटी। अरे जिसकी बीबी मोटी उसका भी बड़ा नाम है, अरे बिस्तर पे लेटा दो। अरे बिस्तर पे लेटा दो, गद्दे का क्या काम है, बिस्तर पे लेटा दो। ए मोटी 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 मोटी। अरे तोनी के इतना हिम्मत कि हमारा मेहरारू को छेड़ता रसन। अरे करिया भाटा ढेर बोलबा नू, एक के मारब कोहरा के तरह फाट जाए तेरी तो। बहुत शर्मिंदा बानी, काहे कि पति हर कदम पे पत्नी के रक्षा करेला ना। लेकिन आज आज एगो पत्नी अपन पति के रक्षा के लिए बाड़ी ना जी, बहुत शर्मिंदा बानी ना। रउआ रउआ हमरा खातिर इतना मार खाईनी ये बहुत बाजी। सारी रात पट्टी बंधत रहलू का हो? अरे तू तो बड़ी सती सावित्री बाड़ू। अरे चार बज गई बा, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा घर के सारा काम पड़ल बा। अरे वो क्या करी तोरा बाप, अब चला हमारे साथे चला। आवतानी माँ जी। रानी एक दिन हम तोरा से कहले रहनी कि खाली कमरा के बाहर ही तू हमार पत्नी बाड़ू, लेकिन आज हम तोरा से कहता नहीं कि ये कमरा में भी तू हमार पत्नी बाड़ू। चला हमरो पत्ता बाटा सन। अगर ही खेली तम जातन डरा गईला का हो? ताज के बादशाह हैं हम, आज तक गांव में जुआ में हमरा के क्यों नारा पौलस। रामेश्वर सिंह नाव है हमार। अच्छा चल पत्ता बाट। हमार 50 के चाल। हमार 100 के चाल। अच्छा हमरो 100 के इले 200।
404 पत्ता खोला। 3 गुलाम। अरे हमार तो 3 दहला निकल गल दिमाग। रामेश्वर भाई आज पहली बार तो जुआ में हारल बाड़ा। हाँ। ओ, लाला तोहरा जीत के खुशी में हम ना पिए पत्ता बाट। अब हम सब अच्छे बाबा सब पता बा हमनी के तू पिया ला। हम जाता नहीं। अरे दत मरते पहले जोन भेल तो भूल जाए गलती हो गई माफ कर दाम रखे। अब गांव घर में इतना ऊंच नीच तो हुकबा करेला बेकर का मतलब कि गांव भर दुश्मन हो जाई है। अरे महाराज माफी मांगता नहीं तोहरा से हाथ जोड़ता नहीं। अब कहा तक गोड़ बल्ली तोहार है। चलो ठीक बा दुई बोतल मंगेले बड़ा का। अरे प्रभु तू कहा तो तोहरा खातिर दारू के एकदम दुकान खुलवा दिए। हे राहुल जो ठेका बजा के हमार नाव बता के 2 बोतल और लेके आओ भैया। अरे लखन वो देखा तोर भैया आ रहा है। टीका करता रसन धनेश। अरे ये गांव के जुवारी हमन सब भैया उमे एगो लखन जैसा लगत रहे। लखन अवता। नमस्ते भैया। नमस्ते। यो खेले लगा ये तो पक्का जुवारी बा भैया। वो जो लड़का हमके लगा लखन जैसा वो लखन ना हो सकेला काहे कि जहां रमेश्वरा रही वहां हमार भाई रहिए ना सकेला। एगो और जगह बा जहां तोरे भाई के परछाई भी ना पहुंच पाई। कहां? हमार खलिहान। हाँ भैया। अरे बनाओ बनाओ पाए खाली होगा लखन भैया का। हाँ हाँ। पहला बार अट्टा बैंड मारा है। प्याज जम के। कंजूसी ना करा बिल्कुल हाँ। हाँ। भैया और कहाँ हाल चाल हो? अरे भैया मत पूछा। हम तो के कहाँ कहाँ ना खोजनी। कहाँ है कौनो खास काम? एकदम भैया खास काम। वो दिन तुहार साक एकदम सही रहे भैया। कौन सा? उहे कि लखन रोज रोज जुआ के अखाड़ा में बैठा। बात करता रहा। एकदम खबर पक्का बा भैया। और जाना तरह केकरा संगे? केकरा संगे? जोगेश्वर के बेटा रामेश्वर के संगे। और तो और भैया साथ में गुलदारू और मुर्गा भी चलेला। सुधा सुधा का हो गिल जी? अरे लखनवा आजकल जुआ खेले के लत धल ले बा। का केकरा साथे खेला था रे? अरे गांव के लुच्चा लफंगा वाला लेकिन के साथे। और तो के पता बा ओकर आजकल उठना बैठना केकरे साथे बा? वो जोगेश्वर के बेटा रामेश्वर के साथे। रउआ सच कहता नी? हराम एकदम सच कहता नी। आरती भी कहत रही कि आजकल देवर जी रोज दारू पी के घर आवता रे। का? अरे तो हमके पहले क्या ने बतालू? रउआ गुस्सा कमारे। आवे दो करके। आवे दा जो करके हम बतावता नी। अरे तू का बते बारा में स्वर? हम बतावता नी। 3 बेगम। चल ओपन कर। 3 छक्का। ये तो तोहरा के छक्का बना देलन का रामेश्वर भैया? अरे अरे जाए तो भैया मजाक करा था। अरे तोहर बाबूजी आवा था मरते लुकावा के कोनो जरूरत नहीं थी। बैठो बैठो बैठो। अरे रहदा दामाद बाबू बोतल लुकवावे के जरूरत नहीं के। अरे जवानी के जोश बा ये बेरा ना खाए पियब तका हमरा नियन बुढ़ौती में खाए पियब। वैसे जोगेश्वर भैया कबो कबो हमरा भी चलेला। अरे आज तो हम अपना दामाद के संगे बैठ के पियो। पैक बना एकदम एकदम ला पटियाला पर। अच्छा बेटा लखन हम अपना बेटा रामेश्वर के साथ दारू पी रहल बानी ये देख के तहरा अटपटा तो जरूर लागत होई है। बाकी ये में तोहार कौनो दोष ना बा बचुआ। दोष बा तोहरे भाई राम के। अरे लखन बाऊजी के बात का बुरा मत माना हो। अब बाऊजी के कहे का मतलब ये है कि तोहार बड़का भैया राम तोहरा के बचपने से अपना लड़का नियन पलने पोसले। हाँ रामेश्वर बचुआ एकदम ठीक कहा तारे। हे बेटा बाकी तोहरा भाई राम में एगो गलती बा। दरअसल वो तोहरा के बहन लड़का ही समझे ले और लड़का समझ के हरदम डांटत फटकारत रहे ले। तहरा के अपना मन से कुछ छोने के करे दे जबकि उनकरा की समझ लेवे के चाही कि अब तू जवान हो गेल बड़ा बाल बच्चेदार हो गेल बड़ा। ये बचवा ये जब बाप के जूता बेटा के पैर में आ जाला नू तब बाप के वो बेटा के अपन दोस्त समझ लेवे के चाही। काहे इतना खिसियाता नहीं
तनी शांत हो जाए ना। कहां से आओ तेरे रे? ओ भैया हम देखा दारू, इतना दारू पीले बाकी अगर मुंह से बोली नहीं खली गला केकरा संगे बैठ के दारू पी ले रे और ते जुआ खेलता रे। ना भैया वो हम एकरा मालूम नहीं के जो के सर हमार कितना बड़ा दुश्मन है ओकरा बेटा के साथे बैठ के जुआ खेलता दारू पीता ही। हां तो खेलता नहीं जुआ, जे के जन करेगा बा कर ले ते हमरा से जवान लड़ाता रे। माना तो नहीं कि तू हमरा के पाल पोस के बड़ा कैले बड़ा, लेकिन हमू अब लड़का नहीं की हमू अब बाल बच्चे वाला आदमी हो गइल बानी। और हाँ, बात बात पे हमरा ऊपर हाथ उठाओ के जरूरत नहीं खे, जब बेटा के गोड़ बाप के जूता में आ जाए ना तो ओकरा पे हुकुम ना चलाओ के चाहिए, ओकरा के अपन दोस्त बना लेओ के चाहिए, हुकुम चलाओ ना बार बार। भैया फोन आवा था। अरे बंद करा। भैया घर से फोन आवा था। भैया एजी गुड्डू के तबियत बहुत खराब हो गई बा। का हो गई? ओकरा बहुत तेज बुखार बा, रुवा जल्दी घरे आ जाए, हम देवर जी के भेजले बानी डॉक्टर के बुलावे खातिर। आई डॉक्टर साहब। जल्दी आई डॉक्टर साहब, देखी ना का हो गई बा गुड्डू के। देखती हूँ। इसे नहलाया था क्या? हाँ। कब? सुबह मालिश कैला के बाद। इसे तो निमोनिया हो गया है, इसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। बच्चा अगर थोड़ा बड़ा होता तो कोई बात नहीं थी, इतनी छोटी सी उम्र में निमोनिया होना बहुत खतरनाक है। मैं इसे इंजेक्शन दे देती हूँ, अगर 12 घंटे के अंदर फायदा हो गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं। आरती, अरे घबराए की जरूरत नहीं है, गुड्डू ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहिबा, रवा तो जानत आनी गुड्डू के हम जन्म दिले बानी, अगर गुड्डू के कुछ भी हो जाए तब हम जी ना पाएं। डॉक्टर साहिबा, हम मर जाए। सुधा, तुम्हारी इतनी बड़ी कुर्बानी की यदि भगवान की नजरों में जरा सी भी कीमत होगी तो यकीन रखो बच्चे को कुछ नहीं होगा। चिंता मत कर। आरती, डॉक्टर साहिबा सुई लगा दे ले बाड़ी, देखियो बाबू एकदम से ठीक हो जाए। तोड़ लेका के निमोनिया हो जाए, हैजा हो जाए, ऐसा बुखार होई तेज बुखार में तो लेका तो आप के मर जाए। नहीं आरती, आरती दीदी, भैया के कहीं ना कि गुड्डू के हमरा की दीदी हम अपना नहीं है लेके जाता। अरे पगला गेल बड़ू का तू, गुड्डू के हाल में लेकिन नहीं जाइबू। हाँ जाइब, कहे कि अब हमरा के विश्वास हो गेल बा कि गुड्डू ये घर में रही तो जिंदा ना बची। आरती, ये तू का कहता रू? आरती बिल्कुल सही कहता रही। इला, संभाला अपन लड़का, जल्दी से ले जा अपना लड़का के। ये हालत में कर अकेल गेल ठीक नहीं के, एकरा से कह यो साथे चल जाए। हाँ देवर जी, रवो संगे चल जाए। ठीक बाबू जी। अरे दामाद जी, खुश रहा खुश रहा। आरती के माई, ए आरती के माई, अरे देखा के आई बा। आरती, अरे हम तो जानत रहनी कि तू जरूर आईबू। अरे अपन माई होले माई, गुड्डू के निमोनिया हो गेल बा, हम तो तोरा के पहले ही समझावत रहनी, पर तू कहां मान लू। देखा ओ बाजिन के चक्कर में लेका के का हाल हो गेल बा। अरे का कर देखा तारे, जा डॉक्टर के बुला। ओकर कोनो जरूरत नहीं खे, डॉक्टर सुई लगा देल बड़ी। अरे रहुआ चुप रही, हम अपना डॉक्टर के बुलावत नहीं। अरे नेता, डॉक्टर मुखर्जी के फोन लगा के जल्दी बुला। माई, इनके तो सही में बुखार बा, बहुत हालत खराब बा। पुतवे में बसे ला पारा नवा
अदालत मैया तोहरा दरबार के खाली के लौटल न पुकार के अनिता ने जो इंजेक्शन दिया था वो बिल्कुल ठीक था। घबराने की जरूरत नहीं है, बच्चा खतरे से बाहर है। भौजी, भौजी। का भइल देवर जी, गुड्डू ठीक तो बानू? हाँ, एकदम ठीक बा। डॉक्टर साहब आइल रहले हैं, आप बतौले हैं कि खतरा की कोनो बात नहीं। देखनी माई हमनी के गुहार सुन लेनी। सब बंगार मोती माई की कृपा। जय देवी माई। अरे भाई, हमार नाती बच गई ई ओकरा खुशी में। अरे बहुत बढ़िया भइल, एकर लड़का बच गई। एक तो एगो लड़का भइल खानदान के वारिस, अगर ओहू के कुछ हो जाय तो एकरा जमीन जायदाद के कोई पूछवैया ना रहित। हे बचवा, इनके जमीन जायदाद बा का? अरे कैसन बात करत तनी जोगेश्वर भैया, हमार दामाद जी के 400 बीघा खेती बा। तो एकर कहा बा? वो तो कुल एकरा बड़ भाई के बा। तू फिर ये सब फालतू बात करे लगला, हम जाता नहीं। तू खिसिया बहुत जल्दी जाला महाराज। अरे भाई से हमार कहे का मतलब ये रहल है कि भाई के देख रेख में है। और वैसे भी लखन, ये बात तो पूरा गाँव जाने लाना कि सारा जमीन तोहार बड़ भाई किलने पड़ा का बाबू जी। बिल्कुल। तू कब हो अपन खेत बाड़ी झाके गैल बड़ा? हमरा भैया के रहते जाए कौन जरूरत बा? ओहो, आज तोहार भाई जिंदा बाड़े, कली मर गए तो। अरे बेटा, तू बहुत जल्दी गुस्सा हो जाला। ई लोग ठीक कहता रे, कल केहू भी मर सकेला। अरे तू मर सकेला, हम मर सकेनी, ई लोग मर सकेला, कल के देख ले बा। अरे देख बेटा, भगवान न करे काले तोहार भाई के कुछ हो गए तो तोहार जमीन कहाँ से कहाँ ले बा, तोरा के मालूम बा? अगर काल तोहार भाई ना रही है तो गांव वालन तोहार जमीन कब हड़प लिए बाबू, तोहरा के पतो ना चली। देखा बेटा, तोहरा बाद ये खेती बाड़ी केकर हुई, तोहरा बेटा के ना। और खेती बाड़ी के अलावा तोहार कोनो धंधा नहीं है। अगर ये खेती बाड़ी ना रही तो तोर बाल बच्चा भूखे मरिए सर ना। वो सब तो ठीक बा, लेकिन अब हम का करें? हे बचवा, तोहके कुछ करे की जरूरत नहीं है।
तू बस खाली एक काम करा, अपना भाई के पास जा और जाके उनसे पूछा कि हमारा हिस्सा की जमीन कहां से कहां तक बा। ना, ये सब हमसे ना हो सकेला। हम अपना भाई से आज तक कोनो सवाले नहीं की केले। अरे देखा बेटा, हम जानत तनी के तू अपना भाई के बहुत इज्जत करेला। अरे मुंह से ना पूछबा तो लिख के पूछ ल, अगला खुद समझ जाई। और हां हे बचवा, तोरा लिखे के तकलीफ करे के भी जरूरत नहीं के। रामेश्वर बाड़े ने वो लिख दी है, तू तो बचवा बस खाली ओपे दस्तखत कर दिया। रामेश्वर अरे देखत का पड़े जो लिख ला। अब पहले होता नहीं। हां ला, साइन करा। ला बच्चुआ। ए बच्चुआ, सोचा मत, कर दे, साइन कर दे। हाँ बेटा, ज्यादा मत सोचा। अरे तुहार भलाई खातिर करा तारी जा। अरे हम तुहार ससुर हैं, दुश्मन ना। चला फटाफट साइन कर दे। बाबू। अरे कर दे बेटा, कर दे। अरे बिल्कुल मत सोचा का बड़ा। का हो गेल जी, बड़ा गुस्सा में लागत आनी। राउर तबियत तो ठीक बानू? हाँ, हमार तबियत एकदम ठीक बा। अब हम जैसे जैसे कहत आनी तू वैसे वैसे करा। ये घर में जितना कीमती सामान बा, सोना चांदी टीवी फ्रिज, सब घर से बाहर निकाला। हाँ निकाल देता नी, लेकिन बात का इला चिट्ठी पढ़ा। ते में इतना नाराज होके के कौन बात बजी? देवर जी तो खाली इतने पूछ ले बानी कि हमार जमीन कहाँ से कहाँ तक बा। पूछ दे लसदा। अरे जोने भाई के हम अपने औलाद की तरह पाल पोस के बड़ा के नी, वो आज हमसे पूछा था क्योंकि हिस्सा की जमीन जायदाद कहाँ तक बा। देखी हम देवर जी के लिखावट अच्छा से पहचानत बानी। ये चिट्ठी ऊ ना केहू और लिख ले बा, देवर जी के तो खाली हस्ताक्षर बा। हस्ताक्षर कह ले बा कि हमारे जमीन जायदाद का हिस्सा कहाँ तक बा, मतलब बंटवारा करके चाहता ना। सुधा, हमने दोनों भाई के अलग करे में हमारे दुश्मन कबो कामयाब ना भइल, लेकिन लेकिन आज हमारे भाई कामयाब हो गए। तो एकर मतलब रउआ बंटवारा करब? हाँ करब बंटवारा। वो दिन दारू पी के हमार बेइज्जती कइलस, आज पूछता कि हमारा हिस्सा के जमीन जायदाद कहाँ तक बा। और आज अगर हम बंटवारा ना कहनी तो गांव के लोग कहे कि छोट भाई बाल बच्चा वाला हो गई, और अपन हिस्सा मांगा था तो बड़ भाई बंटवारा नहीं क्या करा, पूरा जमीन जायदाद हड़प के बैठल बा। ऐसे बंटवारा कर, पूरा गांव के सामने बंटवारा कर। तुहार सब चाल कामयाब हो गई। अरे हाँ भाई, उ रमुआ है ना, सब जायदाद के बंटवारा करा था। अरे अब पूरा गांव वालन के बुलावले है कक्का। अच्छा इतना गहना देखनी है कक्का, कम से कम 80-90 लाख के ता जरूर होई। हाँ 80-90 लाख? हाँ अरे बाप रे बाप, इतना पैसा हमरे लगे रहा था विधायक के चुनाव लड़ जाते। सब सामान आ गई? हाँ बस ये वाचल बा। ये जो उन गहना पहनले बाड़ू यो सब उतार के रख दा। परात एके गोबा एकरा के का करी भैया? हमरा से कहो छता दो टुकड़ा में काट के मार जा। अरे राम भैया, का भइल? हमनी के काहे बुलावले बाड़ा? धनेश हमार भाई लखन हमरा से हिस्सा मांगता रहे। लखन और हिस्सा? तोहरा के जरूर कोनो धोखा भइल बा भैया, लखन ऐसे नहींखन कर सकत। अरे हम सही कहता नहीं धनेश, और के बा जे हमरा जायदाद में दावेदार बा और हमरा से हिस्सा मांगे। आवा आवा हमार भाई, तू जानल चाहत रहला ना कि तुहार हिस्सा के खेत कौन है, कहां तक? यह जमीन के कागजात के दो हिस्सा, आधा एक तरफ और आधा एक तरफ ले ला। हमके माफ कर दे भैया, दारू के नशा में हमसे भूल हो गए रे भैया। वह दिन तू दारू पी के हमके बेइज्जत कर देला, फिर तू दारू पी के हमरा से हिस्सा मांग लेला, और आज अगर हम तो के हिस्सा ना दे तकाल तू दारू पी के आई बा
और हमके थप्पड़ मार देवा था। तो ऐसे अच्छा बाबूआ कि आज फैसला हो जाए, हम पूरा जायदाद के दो हिस्सा में बांट दे ले बानी। तो के जौन हिस्सा चाहे तू ले ले। ना भैया, ना भैया, ना भैया। अरे ये सब धन दौलत का चीज है भैया। अगर तोरा मुकाबला में पूरा दुनिया के दौलत रख दे जाओ ना, तब वो दौलत के ठोकर मार दे भैया, और तोरा पैर पे अपन मुड़ी रख के तोरा के चुनब भैया, तोरा के चुनब। अरे हमारा धन दौलत जमीन जायदाद कुछ ना चाहिए भैया, कुछ ना चाहिए भैया। लेकिन हमरा के चाहिए, हमरा के तोहर भैया भौजी ना चाहिए, ना कोनो हित ना रिश्तेदारी चाहिए, हमरा के बस जमीन चाहिए, जायदाद चाहिए। ऐसा भैया भौजी तक कितना मिली है, लेकिन ये जमीन जायदाद की दौलत कहां से मिली? आरती चुप रह, ये का बकवास कर रहा तू, होश में दौड़ू। हां हम होश में बानी, हमके तोहर भैया भौजी ना चाहिए, हमरा के दौलत चाहिए, दौलत। और हाँ, दौलत रही था दुनिया के बाजार में कितना भैया भौजी मिल जाए लोग। अरे हम तो सोचत रहनी कि ते कीचड़ में खिलल कमल बाड़े, लेकिन आज ते अपन असली औकात दिखा देले, आज ते साबित कर देले कि ते नीच माई बाप के नीच औलाद हवे। बंद कर सब ई सब तमाशा, ई घर द्वार, ई खेत खलिहान, जमीन जायदाद सब रख लसन, हमने के कुछ ना चाहिए। हम और सुधा सब कुछ छोड़ के जाता नहीं जाए। सुधा भैया, तो पैर पड़ा था नहीं भैया, भैया हमरा के छोड़ के मत जा भैया, भैया भौजी भैया के समझावा ना भौजी, भैया के समझावा ना भौजी, भौजी रे तोरा धन चाहिए ना, तोरा दौलत चाहिए ना, तो इले, 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 इले। लेकिन एक बात याद रखिए कि आज के बाद हमारे तो से कौन रिश्ता नहीं खे, हम तोरा से अपन हर रिश्ता तोड़ा था नहीं। आज के बाद न तू हमार पत्नी, न हम तोर पति। तोरा जॉन सोच के बस सोच, हमरा के कोनो फर्क नहीं पड़ता, हमरा के दौलत चाहिए, सिर्फ दौलत। तो जैसे जैसे कहला हम वैसे वैसे कहीं नहीं हो, लो ये गहना लो और हमरा के हमार बेटा दे दो। अरे दे दे तानी, इतना भी का जल्दी बा। रामेश्वर। हाँ भाऊजी। है बचवा। हाँ। जेवर लेके आता हूँ। वाह काका वाह, तो ये सब तोहार खेल रहल है। अच्छा से बहला फुसला के हमरा के हमरे भैया के खिलाफ खड़ा कर देला, और दोनों भाई में बंटवारा भी करवा देला। पता ना तोहर माई तोहरा आगे का खा के पैदा के लिए बिया, जे तोहरा रग रग में कमीनापन भरल बा। ए, ते हमरा बाऊजी का कमीनापन देखले कहाँ बाड़े रे, अब देखबे। हे बाऊजी देखा अपन कमीनापन एकरा के, देख ले देख हमार कमीनापन, ले देख देख हमार कमीनापन, देख देखले। हमरा बेटा के अगर खरोच भी आई ना, तो तू दोनों बाप बेटा के जिंदा जमीन में काट दे। रख एक भी कदम आगे बढ़ाओ ना, तो देख देख तेरे लड़के का क्या हालत करते। बताई मैडम, लखन भैया राम भैया से अपन हिस्सा मांगत रहले, यही से राम भैया अपन सब कुछ उनका देके ई गांव छोड़ के चल गई ले। क्या आ, 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 आ,
बीच में दरार डर ले रहे हैं। चुप रहे, सब पता बा हमरा। गांव के बड़ बुजुर्ग हवा यही से तुहारी इज्जत करत रही, तोहरा के काका कहत रहनी। लेकिन तू इतना नीच हो गई बाड़ा कि तू अपने दिल से पूछा कि तोहर कितना इज्जत होके के चाहिए। अरे ससुर के नाती कुकुर, हम तोहरा के अपन जान के तोर हर सही गलत काम में साथ देत रहनी है। तय हमरा नाती के कुआं में डाल देले रहले। अरे इंस्पेक्टर साहब, ये हाँ गिरफ्तार कर लिए क्राइटे, ले जाओ इसे। चल 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 चल। सुधा खड़ा कहे बड़ो, ये कर लड़का बाओ के दे दा, चले यहाँ से। हाँ जी आरती, ईला संभाल अपन लड़का। रुको सुधा, ये बच्चा तुम किसे दे रही हो? अरे जेकर बच्चा हा ओकरा के देता रही, और का? अरे हाँ, ये बात तो सारा गांव के पता बा कि ये हमार बेटी आरती के लिए कहा। ये आरती का नहीं, सुधा का बेटा है। अरे एक उल्टा सीधा बोला तारू। अरे कर तो लेकर कोखे में ही मर गए रहे। उल्टा सीधा मैं नहीं, तुम बोल रही हो।
सुधा का नहीं, आरती का बच्चा उसकी कोख में मर गया था। नहीं सुधा, आज तुम्हारे मना करने के बाद भी मैं चुप नहीं रहूंगी। आज मैं सबको सच बता के रहूंगी। आरती के बच्चे के मरने की खबर के बाद कहीं सदमे में आरती की जान न चली जाए, इसलिए सुधा ने अपना बच्चा आरती की गोद में रख दिया था, और इसका गवाह मैं और मेरा पूरा स्टाफ है। तैं हरदम सुधा के सरापत रही लेनू कि होकर बेटा मर जाए। देख, आज हमरे बेटी के बेटा मर गई। इस देवी जैसी औरत ने इतने ताने सुनने के बाद भी इतना बड़ा बलिदान दिया, और आप लोगों ने इन्हें ही घर से निकाल दिया। दीदी आरती, हमरा के माफ कर दी। दीदी, हम जो अभी तमाशा कही नहीं, वो गुड्डू की जान बचावे खातिर कहले रहनी। वो जोगेश्वर गुड्डू के गर्दन पे तलवार धर के हमरा के बंटवारा करे खातिर भेज ले रहे। हमके माफ कर दे। ना आरती, तोरा के हमसे माफी मांगे के कोनो जरूरत नहीं के। अरे तू तो हमार बहन हो, और का बहन कब बहन से माफी मांगे ली। सुधा, बहुत हो गई, चल यहाँ से। अरे कहाँ जा जाए कर तरह, तू हमार भैया ना हवा। अरे तू तो हमार बाप हो, और बाप अपना बेटा के माफ ना करेला का। हमरा के माफ कर दे भैया, हमरा के माफ कर दे, हमरा के माफ कर दे भैया। हम तोरा के एक शर्त पे माफ कर सकत नहीं। तू जो मन बोला हमरा के मंजूर बा भैया। हमनी के घर के बर्बाद करे में सिर्फ दो चीज के हाथ बा, दारू और जुआ। अरे दारू और जुआ तो बड़ बड़ राजा महाराजा के बर्बाद कर देलस, तो हमार और तोरा औकात का। तू हमरा से वादा कर कि आज के बाद दारू और जुआ के हाथ ना लगेबे, तबे हम घर चल सकत नहीं। हम तो अर्क्रिया खा के करते नहीं भैया, हमें दोनों चीज के कबो जिंदगी में हाथ ना लगाई। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये बच्चा मैं किसे दूं। अरे देवू केकरा के, हमरा के दब, कहे कि एकरा पे सबसे ज्यादा अधिकार हमार बा। कहे कि हम एकर चाचा हैं। वो तो ब्रेक मार रहा है, पर हमारा नहीं लग रहा। हम लोग कभी भी उसको मार सकते थे।